हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञान एकेडा में। तो चैप्टर 5 के ऊपर इतने ज़्यादा कमेंट आ गए कि मुझे चैप्टर 5 शूट करना पड़ गया। बहुत सारे कमेंट आपने दिखाया चैप्टर 5 में कि सर हमारे यूटी में आ रहा है और या फिर मिड टर्म के एग्जाम में आ रहा है, पहले चैप्टर 5 करा दीजिए। तो आज हम करने वाले चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है ये, थोड़ा लेंदी है एनसीईआरटी के मामलों में। यहाँ पर कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, कहते ना एपी जस्ट लाइक है कि भाई सब कुछ डिलीट हो जाए पर हम में से कोई डिलीट नहीं होना चाहिए, उन्हीं में से एक है। कुछ भी डिलीट नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और दो ही फॉर्मूले में पूरा चैप्टर लिपट जाता है और बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर होने वाला है। और भी बहुत सारे चैप्टर का हम लोगों ने वन शॉट किया था, वन शॉट सीरीज चल रही है। और बाकी अगर चैप्टर आप लोगों को दिक्कत देती है, नहीं देखा तो वो चैप्टर का वन शॉट जरूर देख लेना। और साथ ही साथ में हम लोग सुपर 30 भी कर रहे हैं, सुपर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और साथ ही साथ में सैटरडे सैटरडे हम लोग लाइव क्लास भी कर रहे हैं जहां पर आपका टेस्ट होता है 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पे, फॉर्म पे आपको टेस्ट देना होता है। उस लाइव क्लास पे भी सभी बच्चों को याद से आना। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम दीपक, आप देख रहे हैं ज्ञान एकेडा, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आगे चलने से पहले थोड़ा अच्छे से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया ना, बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई एन और ए एन में क्या डिफरेंस है, कौन सा कब कब एंथ यूज किया, कहां पर ए एंथ यूज किया, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। इसलिए पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको बहुत ध्यान से देखना और प्रॉपर मैं कोशिश करता हूं हर बार बहुत डिटेल में जो है आपको इंट्रोडक्शन बताऊं, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, लेकिन बाहर से आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अच्छा देखो, जब भी मैथ पढ़ो ना तो हमेशा डेली लाइफ में कनेक्ट करके पढ़ा करो। अगर डेली लाइफ में कनेक्ट नहीं करोगे बहुत ज्यादा बोरियत लगेगी और बच्चे कहेंगे सर हमको ये समझ नहीं आ रहा कि कहां पर ट्रायंगल का इस्तेमाल है, क्या जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, क्या जरूरत है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, सर इसका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, पर क्यों किताबों पढ़ रहे हैं। अरे इसका इस्तेमाल है, डेली लाइफ में इस्तेमाल है, तभी तो ये पढ़ाया जा रहा है। हम लोग नहीं समझ पाते और हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस करना शुरू कर देते थोड़ा फॉर्मूला पढ़ के, तो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता। तो अभी हम समझते कि पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम करने के हवाले उसके लिए कुछ केसेस लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलो हमारे पास क्या है, एक जो है माता जी है, उनका नाम है मान लो रेवाती नाम मान लो, ठीक है। एक माता जी, उनका नाम क्या है, रेवाती नाम की एक माता जी है, ठीक है। और इनको जो है ना, इन्होंने बहुत ट्राई किया भाई जॉब अप्लाई करने के लिए, तो फाइनली बहुत संघर्ष के बाद, वैसे ही बहुत संघर्ष चल रहा है आजकल जॉब पाने के लिए, तो संघर्ष के बाद ना इनको जॉब मिल गई। और इनको जॉब मिली एज अ फ्रेशर थी, तो इनको जो है 8,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिली। कितनी मिली, 8,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिली, ठीक है। तो नाचते नाचते गाते गाते मस्त मस्त जो है घर पर आना शुरू किया। और फिर जो बॉस है उसने बोला कि आपको 8,000 रुपये स्टार्टिंग में चलेगा पूरा एक साल तक, और फिर हर साल जो है मैं आपके 1,000-1,000 रुपये बढ़ा दिया करूंगा, हर साल मैं आपके 1,000-1,000 रुपये बढ़ा दे करूंगा। तो अगर मैं बात करूँ साल की, अब पहले साल में इनका जो है 8,000 रुपये था, मैं बोलूँ दूसरे साल में सेकंड ईयर में जो है इनकी सैलरी 1,000 बढ़ जाएगी, तो कितना होगा, 9,000 हो जाएगा। अगर मैं नंबर को लिस्ट करूँ ईयर के मामलों में तो फिर कितना आएगा, अगले साल में 10,000 होगा। इस तरीके जो है इनकी सैलरी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी थी वो ईयर के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, तो इस तरीके से नंबर लिस्ट होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या, मान के चलो आप लोग घर में पतंग उड़ा रहे, भाई पतंग का सीजन चल रहा है, अगस्त में 15 अगस्त आएगा, उससे पहले तुम लोगों को पता बहुत सारे तुम पतंग उड़ाते हो, बहुत मजे करते हो, ठीक है। अब पतंग जी है जो अटक गई टंकी पे, अब टंकी पे पतंग अटक गई है, और उसके बाद उस टंकी से पतंग निकालने के लिए तुम लोगों ने जो है सीढ़ी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, ये याद है इस तरह की सीढ़ी होती है जहां पर बैंबू लगा होता है, इस तरह का सीढ़ी का तुम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब सीढ़ी में होती है रंग्स, रंग्स क्या होता है, जहां चढ़ते हो ना, एक ये मान लो एक रंग्स हो गया, ठीक है, दूसरा रंग्स ये हो गया, ठीक है, और तीसरा रंग ये हो गया, चौथा रंग्स ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मान लो उसके अंदर क्या है, 5 हमारे पास रंग्स है, कितने रंग्स है, 5 रंग्स हमारे पास निकल के आते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जितने भी आपके पास रंग्स हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ये यूनिफॉर्मली 2-2 सेंटीमीटर डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो मान लो पहले की जो लंबाई थी वो है मान के चलते 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पहले रंग की लंबाई थी, और यूनिफॉर्मली 2-2 सेंटीमीटर ये घटती जा रही, तो बताओ किस तरीके से आप लिस्ट करोगे इसके रंग्स की लंबाई को। तो कहेगा सर पहले वाला रंग 40 सेंटीमीटर का, फिर 2 घट रहा है, फिर आएगा हमारे पास 38 सेंटीमीटर, फिर 2 घट रहा है, 36 आएगा, फिर 2 घट रहा है, फिर आएगा आपका 34, फिर 2 घट रहा है, आपका 32 निकल क्या आएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने रंग्स की जो लंबाई है उसको इस तरह से हमने यहां पर लिस्ट किया है, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, तीसरा हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, क्या मान के चलो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है बोलो,
ठीक है, बहुत मजा आने वाला। मान लो मेरे पास क्या एक स्क्वायर है, एक यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और स्क्वायर है, मान लो इस तरीके से है ना, और ये एक और स्क्वायर हो गया। ठीक है, और मेरे पास जो है एक और उसके बाद स्क्वायर निकल के आ रहा है इस तरीके से, ये 3 स्क्वायर जो है मेरे पास बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके जो है ये, ठीक है यार, ये कलर नहीं हुआ यार, ये कलर हो गए। चलो एक काम करो, कलर मिटाते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाया और ऐसा कलर बैठा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास क्या यूनिट स्क्वायर है। अब मैं पूछू होता उसमें कितने यूनिट स्क्वायर है, भाई इसमें तो एक यूनिट स्क्वायर है, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर चेक करें भाई, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 बन रहे होंगे, और यहाँ पर चेक करें भाई, एक ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं अगर चेक करूँ यहाँ पर, तो देखो ये क्या है, यहाँ पर आपका 1 निकल के आ गया। ठीक है, और यहाँ कितने आपके, ये हो गया आपका 1 2 3 4, यहाँ आपके 4 निकल के आ गए। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आपके 9 निकल के आ गए, ऐसे आपका 16 आएगा। तो अगर हम चेक करें, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। एक सर्टन यहाँ पर क्या पैटर्न बनता जा रहा है, हर किसी में एक पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हमने क्या करा, वही 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, चौथा। मान के चलो भाई, जहां पर आप रहते हो वहां पर बड़ी गंदगी हो रखी है, आपने साइड में जो है पानी नहीं फेंका किसी, मतलब बाहर मान लो गड्ढे में पानी जमा हो रखा है। अब उस गड्ढे में ना बैक्टीरिया है, तो मान लो स्टार्टिंग पे अभी 2 बैक्टीरिया हैं, और हर घंटे बाद बैक्टीरिया अपने आप को डबल करता है। तो अगले घंटे में, नेक्स्ट घंटे की बात करें तो 4 हो जाएगा, नेक्स्ट घंटे की बात करें तो 8 हो जाएगा, नेक्स्ट घंटे की बात करें 16 करेंगे, नेक्स्ट घंटे की बात करेंगे हमारे पास कितना होगा, 32 होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक नंबर को लिस्ट किया, और ये किसका लिस्टिंग है कि भाई जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो हर घंटे में कितने कितने होते जा रहे हैं। अब इन 4 को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आप ना कुछ नंबर्स को देख के बड़े आराम से अगला नंबर बता पा रहे हो। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें 8,000 है, 9,000, अगला नंबर क्या आएगा आपको पता, 11,000 निकल के आएगा। यहाँ 40, 38, 36, 34, 32, अगर वो एक रंग और होता तो आप बोलते सर यहाँ पर 30 निकल के आता। यहाँ पर क्या अगला हम बता सकते हैं, 5 का स्क्वायर होगा, बिना बनाए मैंने लिख दिया ना 16 होगा, 4 का स्क्वायर, तो ऐसे अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम बता पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे 2, 4, 8, 16, भाई हर नंबर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर ये से कहते हैं प्रीसीडिंग, पिछला वाला होता प्रीसीडिंग, आगे होता सक्सेडिंग। ठीक है, तो प्रीसीडिंग जो नंबर है उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो सक्सेडिंग नंबर निकल के आ रहा है। इसमें भी प्रीसीडिंग नंबर पर कुछ ऐड कर रहे हैं, माइनस का 2 ऐड कर रहे हैं तो सक्सेडिंग नंबर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो पिछले नंबर को देख के है ना, उसमें ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग अगला नंबर निकाल पा रहे, इन चारों केसेस में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं बताने वाला हूं कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास ऐसा पैटर्न, हम लोग ऐसे नंबर्स के पैटर्न को या फिर ऐसे नंबर जो लिस्ट में होंगे उनको समझने वाले हैं, जहां पर पिछला नंबर जो आगे वाला नंबर है वो पिछले नंबर पे कुछ ना कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करके आ रहा होगा। मतलब यहां पर क्या यहां पर ऐड करके आ रहा था, नहीं यहां पर मल्टीप्लाई करके आ रहा था, यहां पर भी नहीं ऐड करके नहीं आ रहा, तो भी हटा देंगे। तो हम लोग जो है दो केस, एक तो ऐसे केसेस को पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड जो केस है, इसी प्रकार के केसेस को हम लोग जो है पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो मैं आपसे पूछूं भाई क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is the numbers या फिर कैसे पैटर्न कह सकते हैं या फिर सीरीज कह सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज या फिर लिस्ट ऑफ नंबर, जहां पर जो आपका आगे वाला नंबर है वो पीछे वाले नंबर को कोई फिक्स्ड नंबर से ऐड करके लाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल साधारण डेफिनेशन मैंने आपको समझाया। मैं पूछूं क्या ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसमें जो फिक्स्ड नंबर है जिसको हम ऐड करके बार बार नेक्स्ट नंबर लाते हैं, तो उस फिक्स्ड नंबर को, उस फिक्स्ड नंबर को जो है हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, बोलो कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस को जो है डी से डिनोट किया जाता है। अब कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो 3 हो सकता है। आपका पहला वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस तीसरा आपका 0 भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बच्चों को पता नहीं होता। मैं पूछता हूँ बताओ क्या ये एपी है, 2 2 2 2, ठीक है, क्या ये एपी है, क्या सर ये एपी तो है नहीं, बट तो रानी आ गई है फिक्स नंबर। अरे भाई यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं, से कंक्लूड करते हैं कि मोटा मोटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फिर फटाफट से एक्सरसाइज तरफ चलेंगे धुएं की तरफ फटाफट से। तो बात करते हैं हम लोग एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास निकल के आता है इस तरीके से, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर क्या, मान लो कोई भी मैंने यहाँ पर जैसे लिस्ट लिया था, हमने 40 लिया था, रंग वाला एग्जांपल 38 था, ठीक है, और 36 था, फिर 34 था, और 32 लास्ट नंबर 32 था, कुछ ऐसे हमारे पास, ठीक है। ये मैंने कोई लिस्ट एग्जांपल लिया जो कि पीछे रंग वाला, ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, आपके पास ना ये लिस्टिंग है नंबर्स की, और हर लिस्ट में जो भी नंबर है, जो भी नंबर, जितने भी नंबर है हमारे पास, उनको टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये, क्या हमारे पास टर्म्स है। मैं पूछू कितने टर्म है यहाँ पर, भाई फर्स्ट टर्म ये 40 है, सेकंड टर्म आपका 38 है, थर्ड टर्म आपका 36 है, फोर्थ टर्म आपका 34 है, और फिफ्थ टर्म जो है आपका 32 निकल के आ गया। अब फर्स्ट टर्म जो है इसको ना खास नंबर से डिनोट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो पूछो आपका फर्स्ट टर्म कितना, ए आपका 40 है, और ए को हम लोग ए वन भी बोलते हैं, ए वन मतलब फर्स्ट टर्म है, और ऐसे आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म है तो ए टू निकल के आता है, ऐसे थर्ड टर्म है ए थ्री आएगा, फोर्थ टर्म है ए फोर आएगा, फिफ्थ टर्म है आपका ए फाइव निकल के आ गया। तो हम बोलेंगे अगर एपी की बात करें तो कैसे होता है, फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, और आपका लास्ट फिफ्थ टर्म निकल के आ गया। अब ना दो प्रकार की एपी होती है, एक एपी वो है जहां पर हमारे पास क्या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जिसके अगर केवल अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल की बात करूं, सीडो की रंग्स की बात करूं, जहां पर रंग्स जो है वो यूनिफॉर्मली 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहे थे, तो वो जो एपी है वो एग्जांपल आपका फाइनाइट एपी का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। अब जिस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उस एपी को बोलते हैं फाइनाइट एपी, बोलो फाइनाइट एपी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आता है। और दूसरा हमारे पास होता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है जहां पर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक एपी है जहां पर आपका नेचुरल नंबर की बात की गई है, या फिर ये छोड़ो हम साहब बोले इवन नेचुरल नंबर की, तो क्या बनेगा 2, 4, 6, 8, ये चलता रहेगा, तो जो चलता रहेगा उसमें 3 डॉट लगेंगे, 1, 2, 3, और 3 डॉट का मतलब होता है कि भाई आपका इनफाइनाइट एपी है और ये चलता रहेगा। तो एपी आपके दो प्रकार के, फाइनाइट जिससे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, और इनफाइनाइट जहां पर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आते हैं। किसी भी एपी को हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जितने टर्म्स होंगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए एन से, और ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, सार को समझ, लास्ट टर्म निकल के आएगा। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, मैंने बोला इस एपी में देख के, इस एपी में देख के मैंने बोला फोर्थ टर्म जो है वो 34 होगा, ध्यान सुनना, जो फोर्थ टर्म है, तो मैंने बोला फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म जो है आपका 34 होगा। मैंने बोला जो फोर्थ टर्म है, जहां पर टर्म यूज होता है उसको हम लोग एन बोलते हैं, और 34 होगा उसको हम लोग उसका ए एन बोलते हैं। मैंने बोला फिफ्थ टर्म जो है 32 होगा, तो फिफ्थ वाली जो बात है वो आपका एन है, और 32 होगा जहां पर होगा यूज हुआ वो आपका ए एन निकल गया, तो ए फाइव जो है वो आपका 32 है। तो फाइव क्या है आपका, वो एन है, और ए फाइव क्या आपका, ए एन निकल के आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें अब धीरे धीरे समझ में आती जा रही है। अब यहां पर आपका ना एक फॉर्मूला होता है, अब एक फॉर्मूला क्या है, एक सिंपल सा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, उसको मैं छोटा सा आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, फिर फटाफट से जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं जनरल टर्म की, ठीक है, जनरल टर्म की बात करते हैं, या फिर जो फॉर्मूला हमारे पास है पहले एक्सरसाइज में उसमें क्या यूज हो रहा है उसकी हम फटाफट से यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुना, फॉर्मूला निकाल के ला रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास कोई, मैंने नंबर को लिस्ट करा, ठीक है, बताना एपी है कि नहीं, तो मैंने एपी नंबर लिख रहा हूं, मैंने एपी लिख दिया, आप बताना, ठीक है। मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 3 लिखा, फिर मैंने लिखा 8, ठीक है, और 13 लिखा, फिर मैंने 18 लिखा, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट हमारे पास कोई सीरीज है, क्या ये एपी में है या नहीं है, तो हम देखेंगे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, तो हर अगला टर्म जो है पिछले टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करने से आ रहा है, और ये डेफिनेशन होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से, जो मल्टीप्लाई करके आता है ना उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आता है, हमें ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक नहीं पढ़ना, हमें केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और ये डिटेल में क्लास 11th में भी है, तो अच्छे से पढ़ लेना, वरना दिक्कत देगी जो बच्चे मैथमेटिक्स लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3 निकल के आ गया, और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, वो फिक्स नंबर क्या है जिसको ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो 5 है, तो हम बात करेंगे फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस
जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना हमारे पास ए जो है 5 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है और आपका फोर्थ टर्म है। ठीक है, ओके। अगर मैंने बोला सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म क्या हमारे पास भाई 3 में 5 को जोड़ दिया, मतलब आ गया ए और 5 के और डी के 5 क्या डी है, तो ए प्लस डी आ गया। अच्छा, अगर थर्ड टर्म की बात करूं मैं तो आगे भाई 3 प्लस में 5 प्लस में 5 निकल के आ गया, 5 और जोड़ देंगे जो कि हो गया 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, जो कि हो गया ए प्लस में 2 डी निकल के आ गया। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने फोर्थ टर्म की बात करो, ध्यान सुनना, तो अगर 3 प्लस में 5 प्लस में 5 5 5 और जोड़ दो जो कि आ गया 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि आ गया a प्लस में 3d निकल के आ गया। यार ये क्या चल रहा है, जब मैंने a1 बोला a ही आया, a2 बोला a प्लस d एक कम d आया, a3 बोला a प्लस 2d एक कम d आ रहा है, a4 बोला a प्लस 3d आ रहा है, मतलब a5 कितना आएगा a प्लस एक कम d 4d आएगा। अच्छा, a10 कितना आएगा a प्लस में एक कम d 9d आएगा, और इसी तरह के जनरल टर्म an जो है आपका वो आ गया a प्लस में n माइनस एक कम जो है वो d निकल के आ गया, और यही जो है आपका फॉर्मूला होता है n टर्म का। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, और ज्ञानी कीड़ा जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि बहुत ही मुश्किल से मुश्किल चीज को गर्द लगने लगेगा आसान अगर आप ले रहे हो ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब ना कॉमन डिफरेंस भला जो डी हमारे पास वो कैसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे कि मान लो डी अगर निकालना कैसे निकालते हैं भाई, A2 अगले नंबर से पहले पिछले नंबर को माइनस कर दो, A2 माइनस में A1 ये आपका D होता है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लो, या फिर D बोल लो भाई A3 माइनस में A2 बोल लो, या फिर D बोल लो भाई आपके पास A9 माइनस A8 बोल लो, लगातार जो है घटने चाहिए। तो ऐसे हम लोग D की बात करें, ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें D क्या देगा भाई, D अगर हमारे पास यहाँ पर AN है तो यहाँ पर AN माइनस 1 निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है आप लोग D को निकाल सकते हो। तो ये D का जनरल टर्म है और हमारे पास nth टर्म का जनरल टर्म है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना, D कैसे निकालते हैं, AN आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना होता है, और ये AP का इकलौता फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला में सब कुछ समझ में आ गया आपको, D क्या है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, और AN क्या है मालूम, मतलब फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पर, मतलब फोर्थ टर्म 18 है, तो n जो है आपका 4 हो गया और an जो है आपका 18 हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, n और an में बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक लास्ट बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, तो अब से हम लोग जो ap का मतलब समझेंगे, ap क्या है, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ का ap निकाल सकते हैं। अगर मुझे a पता हो और d पता हो, ये दो चीज़ पता होनी चाहिए, अगर मुझे a पता हो और d पता हो तो मैं पूरी ap निकाल सकता हूँ। कैसे, जो हमारी ap होती है, मुझे अभी समझ में आया क्या कि a फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस फिर n माइनस 1 इनटू d, तो इसका मतलब अगर मेरे को a पता है और d पता है तो मैं पूरी की पूरी ap को निकाल सकता हूँ। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दे तो पूरी पूरी ap निकाली जा सकती है, और अगले एक्सरसाइज में, मतलब जो अभी एक्सरसाइज आएगी, हम उसमें पूरी ap निकाल भी रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते फटाफट से, हम लोग इतना ही इंट्रोडक्शन था, अब एक चीज और आता है सम ऑफ टर्म, एंड sn भी आता है, और sn जो है वो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चलो एक काम करते हैं, अभी एसएन की बात नहीं करते, आप कंफ्यूज होगे, एसएन जो हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एसएन की बातें करेंगे। आज वैसे ही बहुत लंबा चैप्टर है, आराम से बैठ के पूरी क्लास करनी है। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है, 3 घंटे 2.5-3 घंटे की वीडियो होगी, आपको पूरा साथ जुड़ना है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ इन नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, क्यों हो रहा है और मतलब है या नहीं है बताना है, और क्यों है या नहीं है वो भी हमें बताना है। तो हमने भाई अभी तक सीखा है कोई भी लिस्टिंग ऑफ नंबर में, कोई भी हमारे पास अगर नंबर लिस्ट हो रखे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है जब हर अगला नंबर जो है पिछले नंबर पे फिक्स नंबर ऐड करने से आ रहा हो, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सिंपल भाषा में कहूँ तो। चलिए पहले की बात करते हैं, पहला कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, कह रहा पहले किलोमीटर के लिए, भाई साहब पहले की बात कर रहा हूँ, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 होंगे और फिर हर एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको ₹8 और देने पड़ेंगे। तो भाई पहले के लिए ₹15 हो गए, अब आप 2 किलोमीटर चलोगे तो 15 देने थे, 15 और 8 कितने हो गए बताओ बताओ, 15 और 8 हो गए 23, तो 23 निकल के आ गया, और 23 में फिर आपने क्या करना है, एक और चढ़ोगे तो 8 और जोड़ दो, कितना आएगा अपने पास, 8 और जोड़ेंगे 31 निकल के आएगा। ठीक है, और 8 39, इस तरीके से जो है हमारा प्राइस चलता चला जाएगा। तो क्यों है ये एपी, क्योंकि हम देख सकते हैं हर आपका आगे सक्सेडिंग टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म में 8 ऐड करने के बाद आ रहा है, तो ये क्या आपका, ये आपका एपी होगा। सेकंड क्या पूछ रहे हैं, सुनम सेकंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर
प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब ये समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लो स्टार्टिंग में जो है 64, मान लो स्टार्टिंग में आपका 64 मान लो, हाँ 64 मान लो, 64 जो है मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम था एयर का, ठीक है ध्यान सुनना। इसने क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग सिलेंडर। अब देखो 64 पहले था, ठीक है 60 पहले था, अब जैसे पंप किया तो 1/4 हट गया, कितना बचा है हमारे पास, ये बचा 4 × 4, ठीक है 4 × 6 = 24 बचा, तो 16 जो है आपका वो हवा निकल गया, 1/4 रिमूव हो गया, तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया 8 बचेगा और 5 में से गया 48, तो आपका नेक्स्ट जो है 48 बचेगा, ठीक है तीसरा और निकाल लेते पता चल जाएगा। अब आप क्या 48 बचा है, अब 48 मीटर क्यूब हवा बची हुई है आपके पास, अब फिर से पंप करेंगे तो 1/4 फिर से चला जाएगा, कितना गया 4 × 4 = 8, तो 48 में से 12 हवा फिर से चली गई है, कितना 4 × 3 = 8 = 36 बचा, तो 36 बचेगा, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। अब चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं, एपी कब होता है, जब आपका सक्सेडिंग टर्म जो होता है वो कैसे आता है, प्रेसिडिंग टर्म में कुछ ऐड करने से, तो यहाँ पर यह करने से, ठीक है तो कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है हम देख सकते हैं, यहाँ पर 14 × 8 = 6 और 16 का है, और यहाँ पर चेक करो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 और 4, यहाँ 12 का डिफरेंस है, तो ये आपका एपी नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर डिफरेंस आपका 16 का है और इनके जो डिस्टेंस आपका 15, डिफरेंस 15 का है, तो इसलिए आपका ये एपी नहीं है। एपी कब होता है, जो भी आपका नंबर लिस्ट हो रखा है उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपया लेगा फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है मतलब पहले के लिए वो गड्ढा खोदने पहले मीटर के लिए 150 रुपया लेगा, 150 रुपया लेगा, अगले के लिए 200 रुपया, तीसरे गड्ढे 3 मीटर के लिए 250 रुपये, ये चलता रहेगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस कितने डिफरेंस है 50 का, कितने डिफरेंस है 50 है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये भी आपका एपी के अंदर होगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, मुझे पता कुछ बच्चे फोर्थ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, फोर्थ पार्ट समझो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो CII हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कैसा होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1+ में रेट अपॉन पे 100 की पावर t होती है, जहां पर t आपका क्या होता है नंबर ऑफ ईयर होता है, तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, ठीक है 10,000 प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है अपॉन पे 100, पहले साल के लिए इतना आएगा 1/, दूसरा कितना आएगा भाई 10,000, ठीक है और 1+ में 8/100 भाई n, दूसरा साल है तो 2 निकल के आएगा, तीसरा साल 1000 और हो जाएगा 1+ में 8/100 (10,000)³ निकल के आ गया, और ये आपका चलता चला जाएगा, ठीक है इसको हम सॉल्व करके साफ साफ देख सकते हैं ये जो है आपका एपी के अंदर नहीं है। सर आपने कैसे बिना सॉल्व करे बता दिया एपी के अंदर नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी स्क्वायर यूज हो रहा है जहां पर पावर्स आ जाती है तो वहां पर चीजें खराब हो जाती है, कैसे मैं 2^2, 3^2, 4^2, आप चेक करो देख रहे हो नंबर एक एक जुड़ रहा है लेकिन पावर लगने की वजह से क्या हो गया 2^2 = 4, ये 9 और 16, तो ये एपी में है ये एपी में नहीं है, तो जहां पर ही पावर यूज होता है या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको बात, हाँ लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो आपका एपी कंफर्म बन जाता, क्योंकि ऐसा ही क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन पे 100, तो अगर आप इंटरेस्ट निकालते रहोगे ना तो आप देखना हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, ऐसा ही में क्या होता है हर साल का इंटरेस्ट सेम आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो ब्याज का भी ब्याज लगने की वजह से जो है आपका जो नंबर है हर साल बढ़ता घटता रहता है, घटता तो नहीं है बढ़ता रहता है, ठीक है तो इसलिए जो है ये आपका उसमें एपी में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो हमने इंट्रोडक्शन में समझा था अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो हम एपी बड़े आराम से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं भाई, जो एपी होती है वो कैसी होती है, वो होती है a, a+d और a+2d और a+3d, 4 टर्म लिखने, तो इस तरीके से आपकी एपी होती है ना, ये हमें समझ में आ चुका है, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। पहले की बात करते हैं तो पहला a तो आपका 10 है और a+d, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, वाह वाह क्या मैथ है मेरी, 20 आएगा, फिर a+ में 2d तो 10+ में 2 × 10 = 20+10 = 30 हो जाएगा
और ऐसे आपका ये 40 आ गया तो ये आपका चार टर्म हो जाएगा। सेकंड की बात करें, आपका फर्स्ट टर्म माइनस का 2 है, कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस 0 मतलब कोई नंबर जोड़ ही नहीं रहा, तो सेम चलता रहेगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। मैंने कहा था ना कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। और अगर तीसरे वाले की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, पहला आपका फर्स्ट टर्म 4 हो गया, ठीक है, ए आपका 4 हो गया। बात करें ए प्लस डी की, तो आ गया 4 प्लस पे माइनस का 3 जो कि आ गया 4 माइनस में 3 जो कि हमारा कितना 1 निकल के आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब ए प्लस में 2d की बात करें, तो 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ गया जो कि 4 माइनस में 6 जो कि आपका माइनस का 2 निकल के आ चुका है, ठीक है। अब एक और लिखना है, ए प्लस में 3d लिखना है, तो हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 जो कि आ गया 4 माइनस में 9, तो कितना आ गया माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। तो एपी कैसे बनी, स्टार्टिंग की चार टर्म बताओ, पहला 4 था, फिर 1 था, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 5 है, ये एपी चलता रहेगा, इनफाइनाइट एपी को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिंपल से बोला था, ए कितना हमारे पास माइनस का 1 है। अगर मैं ए प्लस डी की बात करूं, तो माइनस का 1 प्लस में 1 अपॉन 2 निकल के आ गया, तो नीचे एलसीएम लेंगे, माइनस का 2 प्लस में 1 अपॉन पे 2 जो कि आपका माइनस में 1 अपॉन 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ए प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी की, तो माइनस का 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी आपका 1 अपॉन 2 है, इससे खत्म हो गया, तो आपका माइनस 1 प्लस 1 0 निकल के आ जाएगा। ऐसी ए प्लस 3d की बात करेंगे, तो माइनस में 1 प्लस में 3d कितना हो गया 1 अपॉन 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस में 3 अपॉन 2 नीचे 1 लगा देंगे तो कितना आ गया माइनस में 2 प्लस में 3 अपॉन पे 2 जो कि हमारा 1 अपॉन 2 निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं एपी की बात करूं, एपी की कहानी क्या चल रही है भाई, माइनस का 1 फिर माइनस 1 अपॉन 2 फिर आपका 0 आ रहा है फिर प्लस का 1 अपॉन 2, इस तरीके से आपकी जो है एपी यहां पर चल रही है। मेरे ख्याल से आप सभी को बात समझ अच्छे से आ रही है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो हम लोग पार्ट यहां पर करते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट पर चलूँ क्योंकि अब पूरी 3 एक्सरसाइज कराने और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और एक्सपोर्ट होने पे भी टाइम लगेगी, मुझे दिक्कत आ गई एडिटिंग पे, तो इसलिए जो थोड़ा फास्ट चलूंगा, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो स्लो करके भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलो अब पहले लास्ट की बात करते हैं, ए आपका माइनस 1.25 है ए प्लस डी, तो माइनस 1.25 ठीक है प्लस में माइनस में 0.25 निकल के आ गया, तो कितना हो गया माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 ठीक है जो कि आ गया माइनस से 1. आपका 5 माइनस में 1.5 निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट माइनस का 1.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25 निकल के आ गया, ठीक है, तो माइनस का 1.25 माइनस में 2.25 जो है 2 से करेंगे तो 0.5 निकल के आ गया, तो ऐड करेंगे माइनस से 1.75 निकल के आ जाएगा, 1.25 फिर 1.5 अभी पक्का 2 निकल के आएगा, तो माइनस का 1.25 प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस 0.25 ठीक है जो कि आ गया माइनस का 1.25 और माइनस में 0.75 निकल के आ गया जो कि आपका आ जाएगा 2, यस माइनस का 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये भी कैसे बनी, माइनस 1.25 कॉमा माइनस का 1.5 कॉमा माइनस का 1.75 और कॉमा माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो है हमारी एपी बन चुकी है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अभी हमें फर्स्ट टर्म दे रखा था, कॉमन डिफरेंस दे रखा था, तो हम लोग एपी बना रहे थे। अब एपी दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देखिए फटाफट से, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म आपका ए कितना होगा, ए आपका 3 निकल के आ गया, और डी आप किसे घटा सकते हो, तो आ गया हमारे पास 1 माइनस में 3 जो है आपका माइनस का 2 निकल के आ गया, तो डी माइनस का 2 आ गया और ए जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर चेक करें, आपका सिंपल है, ए आपका माइनस का 5 है और डी कितना आएगा बताओ, माइनस 1 फिर माइनस माइनस 5, ये माइनस का खास ध्यान रखना डी पे, तो आ गया माइनस का 1 प्लस में 5 जो कि आपका 4 निकल के आ गया, तो 4 जो है वो आपका डी कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया और फर्स्ट टर्म जो है माइनस का 5 निकल के आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जब दो दो माइनस हो तो माइनस का साइन ध्यान से लगाना। इसमें बात करें, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 अपॉन बाय 3 है और कॉमन डिफरेंस की बात करें 5 अपॉन 3 माइनस है 1 अपॉन 3, ठीक है, अगले में से पिछले घटाते हैं, डिनोमीटर सेम है, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, तो 4 अपॉन 3 पर डी निकल के आ गया और ए कितना आ गया 1 अपॉन 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब फोर्थ की बात करें, तो ए हमारे पास 0.6 है और डी कितना आएगा 1.7 माइनस में 0.6
जो कि आ गया 1.1 निकल के। ये बहुत आसान था, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। बस क्या ये एक्सरसाइज में आपको सिर्फ थोड़ा एपी है या नहीं है, एपी है तो ए और डी निकालो, ए और डी है तो एपी निकालो, यही क्वेश्चन आपसे पूछने को आ रहा है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट में जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था ए एन वाला, उसका पूरा पूरा रहेगा। और लास्ट एक्सरसाइज सम वाला बहुत ही आसान है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए सुपर स्टडी करना है। चैप्टर 5 जो है एनसीईआरटी इनफ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर होने वाले हैं, इनमें से कौन सा एपी है पहले हमें बताना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो और फिर आगे के तीन टर्म और लिखिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, मतलब लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। आइए पहले करते हैं फटाफट से पहला, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि देखो डिफरेंस कितने का +2, या डिफरेंस कितने का भाई +4, तो ये एपी नहीं है, शुक्र नहीं लिखना, एपी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर चेक करता है, ठीक है, सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। डी क्या होता है भाई हमारे पास, डी होता है a2 - a1, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। तो मैं बोलूँ अगर a2 - a1 कितना आ रहा है, तो भाई 5/2 - 2 नीचे 1 लगा दो तो आ गया 5 - 4, ठीक है, / 2, जो कि आ गया 1/2 निकल के आ रहा है, तो ये डिफरेंस 1/2 आ गया। अच्छा भाई यहाँ भी चेक करना पड़ेगा हमें, तो आ गया 3 - 5/2 नीचे 1 लगा दो, ठीक है, a3 - a2 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जगह कितना 6 - 5/2 जो कि 1/2 आ गया, ठीक है भाई सेम है। सारे चेक करने पड़ेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग है 3 का डिफरेंस ही हो लेकिन लास्ट में लगा रहा हो, तो अब a4 - a3 चेक करेंगे, तो 7/2 - 3 की बात करेंगे, नीचे में लगा दो तो 7 - 6/2 जो कि 1/2 निकल के आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो है बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, यस ये नंबर जो है एपी में है। अगर एपी में है तो 4 टर्म दे रखे हैं, फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है और सेवन टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है बोलो, एक कम डी बता था, ए प्लस में 4d होता है, तो a कितना है हमारे पास, a2 है, तो 2 + 4d कितना है, d 1/2 है, माइनस कितना आ गया 2 + 2 आपका 4 निकल के आ गया, ठीक है, या पैटर्न को समझ सकते हो, तो a5 इतना आ गया। अब a6 की बात करें, एक कम d होता है ना, तो a + 5d, समझ आ रहा है, बहुत ही आसान जा चैप्टर है, थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, तो 2 + 5d कितना है 1/2 है, तो आ गया 2 + 5/2 जो कि आ गया 9/2 निकल के आ जाएगा। और a7 और निकालना है, तो a + 1d 6d होता है, ठीक है, तो 2 + 6d आ गया 1/2, तो आ गया 2 + 3 जो कि आपका 5 निकल के आ गया। तो 4, 9/2 और 5 के आगे के तीन टर्म मैंने यहाँ पर और लिख दिए, ठीक है। तो एपी चेक करना, समझ में आ गया, कैसे एपी चेक करते, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सर यस सर, हमें एपी अच्छे से समझ में अब आनी शुरू हो गई है। थर्ड वाले की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म a2 - a1, ध्यान सुनना, माइनस, ठीक है, a2 - a1 कितना आएगा, माइनस का 3.2, माइनस में एक माइनस फिर और है, इसका खास ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, -3.2 प्लस में 1.2 आ गया, तो बताओ भाई कितना निकल के आएगा, 0 यहाँ पर, और ये आ गया आपका 2, माइनस का 2 निकल, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं a3 - a2 जो कि आ गया माइनस का 5.2, माइनस पे -3.2 जो कि आ गया माइनस का 5.2 और प्लस में 1.2 जो कि कितना आ गया, तो 3.2 जो कि अगेन 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है। ऐसे a4 - a3 को और कर लेते हैं, तो माइनस में 7.2, माइनस में -5.2 जो कि आ गया माइनस का 7.2 प्लस में 5.2, तो अगेन हम सबका माइनस का 2 निकल के आ गया, तो माइनस का 2, इसका मतलब भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। अगर एपी है तो भाई आगे का टर्म निकालना है, तो आगे का टर्म निकालने के लिए हम ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हैं भाई, सिर्फ घटाने हैं दो, ठीक है, या देखो 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, माइनस का 9.2, उसके आएगा 11.2 माइनस का और 13.2, तो ये हम खुद से निकाल सकते हैं, मैं ऑब्जर्व करके निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो निकाल सकते हो। फिफ्थ टर्म a+4d है ना, फिफ्थ टर्म निकालना है क्योंकि a+4d हो जाएगा, a पता है d पता है, सिक्स टर्म हो जाएगा a+5d, तो ऐसे करके भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, तो ये आसान है, मैं थोड़ा ऑब्जॉर्व करके डायरेक्ट लिख दूंगा अगर लिख पा रहा हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्या कह रहा है, अब माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, आप चेक करो फटाफट से, तो a2 - a1, तो माइनस का 6 माइनस पे माइनस का 10 जो कि आ गया -6 प्लस में 10 जो कि 4 निकल के आ गया, ठीक है, है ना। तो a3 - a2 की बात करते हैं, माइनस का टू माइनस पे माइनस का 6 जो कि आ गया -2 प्लस में 6, हमारा प्लस का 4 निकल के आ गया,
अब A4 माइनस में A3 करते हैं तो 2 माइनस पे माइनस का 2 जो कि 2 प्लस 2 हो जाएगा जो कि 4 निकल, कॉमन डिफरेंस सेम निकल 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ भी 4 जोड़ा, यहाँ भी 4 जोड़ा, तो और 4 दो 6 आएगा, 6 4 10 और 14, तो 6 10 और 14 आगे के टर्म निकल के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, हमें बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस में A1 निकालो पहले, तो 3 प्लस में रूट 2 माइनस में 3 करेंगे तो प्लस का 3 माइनस 3 खत्म, तो रूट 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब A3 माइनस में A2 की बात करेंगे तो 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में 3 और प्लस में रूट 2, ये गलत तरीका है, यहाँ पर ब्रैकेट लिखना मत भूलना, ठीक है। जो कि आ गया 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में 3 माइनस में रूट 2, 3 कैंसिल। अब 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा, तो यहाँ पर भी रूट 2 ही निकल के आ गया है। अब बात करते हैं A4 माइनस में A3 की, कितना आ गया, तो 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में, ओह ये सेम सेम निकल, अरे 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 ये यहाँ पर सेम सेम लिख दिया, अरे एक मिनट को बुक मेरे पास ही है, चेक करता हूँ, ये सेम सेम उतार दिया, यहाँ पर चेक करते हैं कि ये सेम सेम दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारे PPT बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है, नहीं नहीं गड़बड़ नहीं करी, PPT बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ, तो ठीक है, अब यहाँ पर कितना निकल के आ गया, ठीक है, तो A2 माइनस A1 इसमें से माइनस किया तो रूट 2 आया, ठीक है। अब इसमें से, अरे अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक चला, ठीक है। तो 3 प्लस में 3 रूट 3 है, मैं वही कह रहा हूँ, 2 रूट 2 आ गया, 3 प्लस में 3 रूट 2 है माइनस में, तो 3 प्लस में 2 रूट 2, ठीक है, सही है। तो 3 प्लस में 3 रूट 2 माइनस में 3 माइनस में 2 रूट 2, इससे खत्म हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो रूट 2 बचेगा, तो हम देख सकते हैं समय रूट 2 रूट 2 रूट 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे टर्म लिखने हैं तो 3 प्लस में 4 रूट 2 और फिर 3 प्लस में 5 रूट 2 और 3 प्लस में 6 रूट 2, तो अगर समझ में आ रहा है तो अभी रूट 2 लिख के कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्या कह रहा है, तो 0.2, ये AP में है नहीं बताना है, देख के साफ पता चल AP में नहीं है, क्यों नहीं है, देखो A2 माइनस में A1 निकालो कितना आएगा, तो 0.22 माइनस में 0.2 कितना आ गया, 0.02 निकल के आ गया, ठीक है, माइनस करना आता ना, देखो 2 में 2 का 0, 2 ऊपर का ऐसे रहेगा। अब A3 माइनस में A2 निकालते हैं तो 0.22 माइनस में 0.22 तो आ गया 0.002, तो आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस अलग निकल के AP में नहीं है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है क्योंकि यहाँ कुछ बढ़ नहीं रहा, तो कॉमन डिफरेंस आपका 0 निकल के आ गया और आगे टाइम माइनस वन पॉइंट टू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या कह रहे हैं, 13927, तो साफ पता चला प्लस 2 है और प्लस का 6 है, AP में नहीं है, हटाओ इसको, चेक करते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस में A1 कितना आ गया, 2A माइनस में A आ गया, A3 माइनस में A2 3A माइनस में 2A अगेन A आ गया, A4 माइनस में A3 तो 4A माइनस में 3A अगेन A निकल के आ गया, तो यस AP में नेक्स्ट 5A 6A 7A आगे चल बे, ओके ये जहाँ पर पावर आती है वैसे ही AP में नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखो A2 माइनस में A1 तो A का स्क्वायर माइनस में A कॉमन कर लो तो A माइनस में 1 निकल के आ गया। अब A3 माइनस में A2 तो A की पावर 3 माइनस में A का स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर कॉमन कर लो A माइनस में 1, आप साफ साफ देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जो D होता है वो हमारा सेम नहीं है, तो इसका नहीं AP में नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, अब कुछ बच्चे देखते कहेंगे सर ये तो AP में नहीं है, पर मैं कहूँगा बेटा एक बार चेक तो करने में क्या जा रहा है, तो रूट 2 को रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 8 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 तो बाहर, तो 3√2 आ गया, तो ये 2√2 ये हो गया आपका 2√2, कितना आ गया बोलो 13√2 और रूट 18 होता 3 3 9 दो 18 आएगा 3√2 और आएगा 4√2, तो इस तरीके से आपका चल रहा है, ठीक है। तो A2 माइनस में A1 निकालेंगे तो बोलो 2√2 माइनस में रूट 2 कितना आ गया, रूट 2 बचेगा भाई, 2√2 में से 1√2 चला गया। अब A3 माइनस में A2 कितना आ गया भाई, 3√2 माइनस में 2√2 तो आ गया रूट 2, तो A4 माइनस में A3 कितना आ गया, तो 4√2 माइनस में 3√2 तो आ गया रूट 2, तो रूट 2 इसका मतलब ये आपका AP में होगा। अगला आएगा आपका 5√2, फिर आएगा 6√2, फिर आएगा 7√2,
तो ऐसे करके आपका 3 महीने ऑटम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट पेयर है, इसके बाद भी और है, ये लास्ट है, थर्ड लास्ट। चलो तो ये √3 है, ओके, तो √6 है और ये 9 है, तो ये हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, A2 माइनस में A1 करेंगे तो √6 माइनस में √3, ना तो ये रूट से बाहर आएगा ना ये डी ऐसे ही रहेगा, और A3 माइनस में रूट की बात करें तो √9 3 होता है माइनस में रूट में 6, तो देख सकते हैं आप लोग कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। जहाँ पर स्क्वायर लग जाए वैसे एपी में नहीं होता, कैसे एक आ गया ये 9 आ गया, ये 25, ये आपका 49 है, यहाँ पर गैप कितने का 8 का, और यहाँ पर ज़्यादा का होगा, ये भी आपका एपी नहीं है। लास्ट वाला है, हम लोग चेक करेंगे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 है, चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और आपका 73 आ गया, डॉट डॉट डॉट, एपी में है या नहीं है। अब सर स्क्वायर आता है एपी में नहीं होता है, ऐसा नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे A2 माइनस में A1, तो 25 में से एक गया तो 24 आएगा, ठीक है, और A3 माइनस में A2, तो 49 में से 25 गया तो 24 ही आ गया, और 73 में से 49 गया तो भी आपका 24 ही निकल के आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये आपका एपी में है, तो 24 24 ऐड कर दो, तो 73 में 24 ऐड करेंगे तो 97 होगा, फिर 24 ऐड करेंगे एक और 9 10 11 12 समथिंग कुछ ऐसा चलता रहेगा, तीसरा नंबर और लिखना, 24 ऑर्डर करेंगे, 24 कर दो 1 4 5, ठीक है, तो ये चेक कर लें सही कि नहीं है। तो ये हमारे इस तरीके से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो मोटा मोटा अगर मैं आप कंक्लूड करूँ यहाँ पर, ठीक है, कंक्लूड करूँ मोटा मोटा, तो मैंने क्या सीखा भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ऐसा हमारे पास ऐसा नंबर का लिस्ट जहाँ पर जो आपका सक्सेसिव टर्म है वो प्रेसिडिंग टर्म है, फिक्स नंबर ऐड याद रखना, मल्टीप्लाई ऐड करके आ रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर हमने देखा एपी फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है तो उसे फाइनाइट एपी बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस सीखा, फिर एक फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने, और सिचुएशन देख के बताना कि एपी है या नहीं है, अगर भाई डी सेम है तो एपी है वरना नहीं है। अगर एपी दे रखा है तो ए और डी निकाल सकते हैं, ए और डी दे रखा तो एपी निकाल सकते हैं, कैसे ए होता है a+d a+2d a+3d, ये हम सबने सीखा है, उसके भी लास्ट में हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना देखा, सब चीज अच्छे से देखा। आई होप आपको पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गई है, क्या पहली एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई, क्या मजे कर रहे हो साथ साथ में। अभी हमें 2 और मोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, तो बिल्कुल ढीले सुस्त नहीं पड़ना है, चलिए फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। 5.2 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस ए एन एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। भाई चार चीज होती है, फॉर्मूला बताया था क्या भाई, ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब यहां पर है चार चीज, कौन कौन सा, ए एन है, ए है, एन है और डी है। अब चार में से कोई तीन चीज आपको दे रहेगा, चौथी निकलवा लेगा, इसी को तो मैथमेटिक्स बोलते हैं। आइए फटाफट से करते हैं थोड़ा पानी पी के, पहला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से, अब भी वीडियो को लाइक करो, और जो कमेंट पेंडिंग था ना उस कमेंट को, मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे का सर कमेंट करने का मन नहीं करता, आप ही क्लास में अटेंड करते ना, मन करता आगे चलो आगे चलो आगे चलो, और इतना रम जाता कि उस समय कमेंट करने का मन नहीं करता, बाद में भूल जाता, करे यस मजा आ गया चैप्टर हो गया, तो सर भूल जाते हैं। कोई नहीं, जब यस करो ना कि अरे वाह मजा आ गया, लास्ट में कर दे करो, लिख लो सर ने यहाँ कमेंट करने को बोला, इसका कमेंट करने को बोला, लिख लो एक पेज में, लास्ट में कमेंट कर दो इकट्ठे, पट 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 खत्म, और क्या दिक्कत की बात नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया ना कर दो। चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, पहले की बात कर रहे हैं। अब ए एन हमें निकालना है, ए कितना है हमारे पास 7, और एन कितना है 8, और डी कितना है आपका 3 है, ठीक है, तो एन कितना आ गया 7 प्लस में 7 3 21, तो ए एन आपका 28 निकल के आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 28 लिख दो, इसको मिटाया, ठीक है। सेकेंड वाला करते हैं, सेकेंड वाले में आपको ए एन कितना दिया 0, ए फॉर्मूला में बाबा लिखा है यहाँ पर देख लेना, ए कितना माइनस का 18, ठीक है, प्लस में एन कितना 10, और डी कितना डी हमें नहीं पता। अब ये माइनस का 18 यहाँ पर आ गया, प्लस का 18 बन जाएगा और 9d हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, डी निकल के आ गया, डी आ गया हमारे पास कितना 2 निकल के आ जाएगा, डी कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर चेक करो थर्ड वाले पे, ठीक है, तो ए एन कितना है माइनस ए एन इक्वल टू, तो ए हमें नहीं पता, प्लस पे एन माइनस 1, डी कितना है डी यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू जाएगा ए प्लस में 17 इंटू माइनस का 3, 17 51, तो माइनस 5 इक्वल टू ए माइनस में 7 21, 3 1 3 4 5 51, तो माइनस 5 प्लस में 51 इधर आएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा 51 से 5 गया 46, तो ए आपका 46 निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 46 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ ए एन कितना है, ए एन 3.3 इक्वल टू ए माइनस का 18.9, ए प्लस में एन माइनस वन, एन नहीं पता, और डी कितना, डी आपका 2.5 है, डी आपका 2.5 है, ध्यान समझना सारी क्रिया को, ठीक है। पहले ये इधर जाएगा 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल हो गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। 9 6 15, एक ऊपर के 4 18 और 4 22, 22.5 ये मल्टीप्लाई डिवाइड में 2.5 इक्वल टू एन माइनस वन निकल के आ गया। अब ये कटेगा 9 12 मेरे ख्याल से, 9 5 45, 9 2 18, अच्छा ठीक है, 9 बार में कटेगा, इक्वल टू एन माइनस वन, और हम बोलेंगे 9 प्लस में 1 इक्वल टू एन आ गया, और एन जो है वो 10 निकल के आ गया, एन कितना आ गया, 10 निकल के आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट बचा है फिफ्थ वाला, इसको यहीं पर लिपटाते हैं मिटा के फटाफट से, ठीक है जी, चलिए ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। तो ए एन कितना है भाई, नहीं पता, और ए कितना है 3.5, और एन कितना है 105, इंटू डी कितना है 0, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 से मिला, ए एन कितना 3.5 आ गया। जब आपका कॉमन डिफरेंस ना, ये समझो ध्यान से, जब आपका कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म उतना ही सेम सेम आते हैं, कोई सा टर्म निकालो तो 3.5 आपका आंसर निकल के आएगा। और टेबल जो है एक बार फटाफट से हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई गड़बड़ हम लोग नहीं मांगता, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मांगता, कुछ भी गड़बड़ नहीं। तो 28 आ गया पहले का, दूसरे का 2 आया, फिर 46 आया, वेरी गुड, फिर 10 आया, 3.5 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ध्यान से समझ से चलना, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई, कह रहा 30 टर्म ऑफ द एपी, अब ध्यान सुनना, 30 टर्म एपी का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, 30 टर्म क्या होगा, तो 30 आपका एन है, तो एन आपका 30 क्या होगा, ए एन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म एपी में देख के बताओ 10 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 में से 10 गया, माइनस का 3 निकल के आ गया, तो मैंने एन निकाल लिया है, ए एन नहीं पता, ए पता है और डी पता है, तो फॉर्मूला एक ही है, फटाफट से निकालते हैं। ए एन जो होता है क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है, ए एन हमें नहीं पता, ए आपका 10 है और एन 30 है, और डी कितना हो गया आपका, माइनस का 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो ए एन आ गया 10 माइनस में 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो आ गया 10 माइनस में माइनस वन प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस ही आएगा, ठीक है। माइनस में कितना आएगा हमारे पास, 9 3 27, 3 2 6 7 87, तो माइनस का 77 जो है हमारा ए एन निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमने ये चार चीज लिख लेनी है, ठीक है। एन क्या है भाई, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, पहले एपी अगर नहीं बनाई तो एपी बनाओ, और एपी मिल गई तो ए निकालो, डी निकालो, एन क्या है, और फिर जो भी निकालना फटाफट से निकाल लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं इसी क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसका आंसर ये टिक कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी का 11th टर्म जो है वो कितना निकल के आएगा, ठीक है। 11th टर्म क्या होगा, तो एन हमारा 11 दे रखा है, ठीक है, और ए हमारे पास माइनस का 3 है, डी निकालें सावधानी, माइनस ए टू में से ए वन को घटाते हैं, तो माइनस का 1/2 प्लस में 3 नीचे वन लगा दो, तो आ गया माइनस का 1 प्लस में 6/2 जो कि 5/2 निकल के आ चुका है, ठीक है। और क्या होगा, ए एन हमें पूछ रहा है, ए एन हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ए एन का क्या, ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ए फॉर्मूला होता है। अब ए एन हमें नहीं पता, ए कितना हमारे पास बोला माइनस का 3 प्लस में एन कितना है 11 माइनस वन, डी कितना है, डी हमारे पास 5/2 दे रखा है ना, तो माइनस का 3 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो काटेंगे 5 टाइम्स 5 5 25, माइनस का 3 प्लस में 25 जो कि आपका 22 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 हम लोग क्या आप कह रहे हैं, ध्यान सुनना, 3 कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, हमें मिसिंग टर्म निकालना, तो बहुत आसान है, इसमें चैप्टर में 3 का इस्तेमाल करें, कैसे, तो जो एपी होता है वो देखो दो वेरिएबल होता है, ए और डी, ए और डी हमें पता हो, हम कुछ भी बता सकते हैं, मैंने कहा था आपको। तो यहाँ पर अगर बात करिए, आपका ए होता है, ये आपका ए प्लस डी होता है, और ये आपका ए प्लस टू डी होता है, तो बन गया रिलेशन, तो ए हमारे पास 2 निकल के आ चुका है, और ए प्लस टू डी जो है वो 26 है, तो ए की जगह 2 यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 प्लस में 2D हमारा 26 हो जाएगा, तो 2D कितना आ गया, 26 माइनस में 2 आ गया, तो 2D आपका 24 निकल के आ गया, और D जो है वो 12 निकल के आ जाएगा, D 12 है और A आपका 2 है, ठीक है। अब ये पता है बीच वाला नंबर निकालना है, कौन सा निकालना है, बीच वाला नंबर, ये हमें निकालना है, तो आसान है, A प्लस D निकालना, तो A प्लस D निकालना था जी, तो 2 प्लस में 12 जो है 40 निकल के आ गया, ये 14 हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब कोई तीन नंबर लगातार एपी में हो, तो पहले और आखिरी को जोड़ने पर बीच वाले के डबल के बराबर निकल के आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर कह लो कि पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो, तो बीच वाला नंबर निकल के आता है,
जाता अगर एपी में हो तो, 26 और 2 28 होते, 28 का 14 ऐसे भी अपनी कहा सकते, कोई भी 3 टर्म लगातार होने चाहिए एपी के। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको मिटा दूँ। चलिए तो ये वाला आपका आंसर 14 आ गया, मैं यहाँ पर 14 लिख के फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। बताओ ये ए हो गया, ये आपका ए प्लस डी हो गया, ये हमारे पास ए प्लस टू डी हो गया और ये ए प्लस थ्री डी हो गया। बहुत सिंपल है, हमारे पास ए प्लस डी पहली क्वेश्चन आ गई 13 चैप्टर नंबर 3, याद करो, नहीं करा तो जाके करो पहले। और ए प्लस थ्री डी जो है आपका 3 निकल के सेकंड क्वेश्चन। एक ना राय ध्यान सुनना, हमेशा चैप्टर को ना स्टार्टिंग से करा करो, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, क्या होता है हर चीज लिंक्ड हो सकता है, कुछ चीज़ जो आपको पहले सिखा चुके हैं। अब जिन बच्चों ने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा उनको ये समझ नहीं आया कि सर कैसे कर रहे हो आप ये, तो चैप्टर 3 पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 3 पहले पढ़ो फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस और माइनस ही खत्म हो गया, तो माइनस का 2d जो है वो 10 निकल के आ गया, d जो है वो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, d माइनस का 5 निकल के आ गया, चेक करो। ठीक है, अगर d माइनस 5 पहले पुट करो तो a प्लस में d माइनस का 5 होगा इक्वल 13 हो जाएगा, तो a आ गया आपका 13 प्लस में 5 जो कि a जो है वो 18 निकल के आ गया। अब a 18 हो गया, ये हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a प्लस 2d और निकालना है, तो a प्लस 2d कितना हो गया, a कितना हमारे पास बोलो 18 और d कितना माइनस का 5, तो आ गया 18 माइनस में 10 जो कि 8 निकल के आ गया, तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे निकालो, या फिर ऐसे 13 प्लस 3 16 का आधा 8, अगर 3 नंबर लगातार एपी में हो तो बीच वाला नंबर बाकी 2 नंबर को जोड़ के आधा करने से निकल के आता है। समझ में आ रहा है। अब ये a है, a प्लस डी हमें निकालना है और ये a प्लस 2d है निकालना है और ये a प्लस 3d है। ठीक है, बहुत आसान है, आई थिंक अब आपको चीज़ समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। अब आप लोग जो है आग लगाने को तैयार हो आगे चैप्टर्स में। ठीक है, बहुत आसान है, फटाफट से होना चाहिए, बहुत आसान है चैप्टर। चलो, तो a हमारे पास 5 है, ठीक है, और a प्लस में 3d 9/2 है, तो क्या सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में करते हैं 9 × 18 फिर जोड़ते हैं 19/2, तो 19/2 आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो तो 5 + 3d इज इक्वल टू 19/2 निकल के आ गया, 3d आ गया 19/2 माइनस में 5 नीचे वन लगा देंगे तो 3d आ गया 19 माइनस में 5 × 10/2, तो 3d आ गया हमारे पास 9/2, काटो 3 × 3 = 9, तो d जो है आपका 3/2 निकल के आ गया है। तो d पता हो और a पता हो तो हम सारी कहानी पूरा इतिहास हम लोग रच सकते हैं। ठीक है, चलो तो a प्लस डी निकालना, तो a प्लस डी की बात करें तो 5 प्लस में d कितना है 3/2 है जो कि नीचे वन लगाओ कितना गया 10 प्लस में 3/2 जो कि 13/2 निकल के आ गया। ठीक है, जो कि हो गया 6/1/2 भी लिख सकते हैं, आता ना लिखना, किस किस बच्चों को ये लिखना आता मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़्यादा। फिर आगे a प्लस में 2d की बात करेंगे तो 5 प्लस में 2d कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 = 8 होता है, तो ये आपका 6/1/2 आ गया, ये आपका 8 निकल के आ जाएगा। नाउ चलते नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ सेम उसी प्रकार हमें करना है। ये हमारे पास a है, a प्लस डी हमें निकालना है, a प्लस 2d हमें निकालना है, a प्लस 3d हमें निकालना है, a प्लस 4d हमें निकालना है और a प्लस 5d हमें दे रखा 6। तो a हमारे पास माइनस का 4 है पहले इक्वेशन और a प्लस 5d जो है वो 6 दे रखा है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पुट करो a के लिए माइनस का 4 प्लस 5d आपका 6 के बराबर आएगा। ठीक है, और 5d आ जाएगा 6 प्लस में 4 और 5d जो है वो 10 के बराबर आ गया और d 5 × 10, तो d आपका 2 आ गया है और a जो है वो माइनस का 4 आ गया। जब a और d पता है तो सारी चीज़ें हम बड़े आराम से एपी के अंदर बता सकते हैं। तो a प्लस डी की बात करते हैं, ठीक है, कितना आ गया माइनस का 4 प्लस 2 जो है माइनस का 2 निकल के आ गया। अब a प्लस 2d की बात करते हैं, माइनस 4 प्लस में 2 × 2 जो कि आ गया माइनस का 4 प्लस में 4 जो कि आपका 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं a प्लस 3d की, जो कितना आएगा, 3d कितना हमारे पास 2 है, तो माइनस का 4 प्लस में 6 जो कि प्लस का 2 निकल के आ गया, तो माइनस का 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, फिर आपका 4 आ जाएगा और 6। इस तरीके से हम लोग a प्लस 4d भी आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा ना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एक बार, इसलिए कहता हूँ मैं ज्ञानी कीड़ा से ना इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से देखा करो कि बहुत डिटेल में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो ये a होता है, ये a प्लस डी होता है, ये a प्लस 2d है ना, और ये a प्लस 3d होता है और ये a प्लस 4d होता है और ये a प्लस 5d हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, तो a प्लस में d जो है वो हमें 38 दे रखा है, ये पहली इक्वेशन हो गई, और a प्लस में 5d जो है वो माइनस का 22 दे रखा है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास पता चल चुकी हैं, लाइन खींचो फटाफट से सॉल्व करो, माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, खत्म हो गया, और d में से 5d गया तो माइनस का 4d और कितना आ गया 4 10 8 हो तो 10, ठीक है, और 3 2 5 6 60, तो 15 4 60 माइनस का 15d निकल के आ गया।
डी कितना आ गया आपका, माइनस का 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। डी माइनस का 15 आएगा, अरे अरे दादा माइनस का 15, माइनस का 15 मान लेते, चलो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बच्चा लोग, बच्चा लोग चक्कर लो चक्कर लो चक्कर लो, कोई गड़बड़, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पुट करके ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए डी तो आपका माइनस का 15 हो गया, 38 के बराबर है। तो ए कितना आ गया, 38 प्लस में 15, तो ए आ गया कितना 53 निकल के आ गया, 53। तो 53 निकल के आ गया ये, फिर 38 निकल के आ गया, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पर करेंगे ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D अगर हम निकालेंगे कितना आ गया, तो 53 प्लस में 2D कितना है माइनस का 15, तो 53 माइनस में 30 कितना आ गया, 23 निकल के आ गया। तो 23 निकल के आ जाएगा। फिर ए प्लस में 3D निकालोगे ऐसी, तो 53 प्लस में 3D माइनस का 15 15 45 होता है, तो 53 माइनस में 45 कितना आ गया, 5 3 8, तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब ए प्लस 4D निकालो कितना आ गया, ए 53 प्लस में 4D कितना माइनस 15 में 60, तो 53 माइनस में 60 माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कह रहा है एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, तो 78 ए एन है, तो ए एन आपका 78 है, कौन सा टर्म नहीं मालूम भाई साहब। और ए आपका 3 आ गया, डी निकालना बहुत आसान है, 8 में 3 का 5 निकल के आ गया, ठीक है। फॉर्मूला एक ही होता है, ए एन होता है, ए प्लस पे एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो 78 इज इक्वल टू ए 3 प्लस एन, हमें नहीं पता, डी आपका 5 आ गया। 78 ये जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 75 अपॉन पे 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो काटो 5 एकम 5, 5 पचे 25 इक्वल टू एन, और एन जो है वो 16 निकल के आ जाएगा, 16 टर्म जो है 78 होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 के, और हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, ध्यान सुनो, जो एन है ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो एन जो है ना फर्स्ट टर्म सेकंड, एन नेचुरल नंबर होता है, एन कभी भी आपका माइनस में नहीं आ सकता, एन कभी आपका रेशियो पे नहीं आ सकता, रेशनल नंबर पे नहीं आ सकता, हमेशा एन जो है आपका वो नेचुरल नंबर ही होगा। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे करते करते भाई इनफाइनाइट टर्म तक जा सकता है, पर एन नेचुरल नंबर ही होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलता है 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, कह रहा है नंबर ऑफ टर्म निकालो, कितने टर्म होंगे, 7 13 19 करते 205, तो कितने पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो कितने टर्म्स होंगे टोटल, तो एन पूछ रहे हैं। तो ए एन हमें 205 दे रखा है, ठीक है, और ए हम लोग को 7 दे रखा है, एन हमसे निकलवा रहा है, और डी कितना गया, 13 में से 7 गया, तो मेरे ख्याल से तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ए एन होता है हमारे पास ए प्लस पे एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है, ठीक है। तो 205 इक्वल टू ए 7 प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है 6 है, तो 25 माइनस में 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1, काटो भाई कितना आ गया, तो 6 3 18 प्लस में 1 इक्वल टू एन हो गया, ये 1 यहाँ पर आगे प्लस में जाएगा, तो एन आ गया आपका 34। तो 34 जो है आपका टर्म्स निकल के आएंगे, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, आपका ए कितना हो गया, 18 हो गया, डी निकालते हैं 15 दूनी 30 31 बटे पर 2 माइनस पे 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36 होता है, अपॉन पे 2 जो कि माइनस का 5 अपॉन 2 निकल के आ गया, ठीक है। और ए एन जो है आपका माइनस का 47 होता है, फॉर्मूला ये पुट करो डायरेक्ट में, ए एन कितना है माइनस का 47 इक्वल टू ए 18 प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है, डी यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन 2 निकल के आ गया, ठीक है। माइनस का 47 माइनस का 18 इधर आ गया, माइनस का 18 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 अपॉन 2 निकल के आ गया, 15 7 4 5 6 65 माइनस का, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और माइनस का 5 डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1, जो नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, काटो 5 से 5 एक 5 5 3 15 यानी 30, तो 30 प्लस में ये 1 इधर इक्वल टू एन, और एन जो है वो 31 निकल के आ गया, तो 34 और 31 है, लेट मी चेक द आंसर, 34 31, ठीक है। सॉरी 13 दुनी 26 होता है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 13 दुनी 26 होता है, प्लस में 1 इक्वल टू एन होता है, और एन जो है 27 आ रहा है, ठीक है। तो 27 और 34 सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्या कह रहे हैं, चेक वेदर माइनस का 150 रुपया लेगा इज अ टर्म ऑफ एपी ओनली, भाई माइनस का 50 का टर्म है कि नहीं, भाई सिंपल सी बात है, क्या माइनस का 50 कोई टर्म होगा, तो अगर होगा तो एन होगा, एन आपका नेचुरल में निकल के आना चाहिए, अगर एन आ रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है।
चलो तो ए कितना है, ए हमारा 11 है, और डी आपका कितना हो गया 8 - 11 जो कि माइनस का 3 निकल के आ गया, और ए एन हमें चेक करना माइनस का 150, और एन चेक करते हैं से कितना आ गया। ए एन फॉर्मूला होता है ए प्लस पे एन माइनस वन टू डी होता है, ठीक है। तो माइनस का 150 इक्वल टू ए 11 प्लस में एन माइनस वन, डी कितना है, डी हमारा माइनस का 3 निकल के आ गया, ठीक है। माइनस का 150 माइनस में 11 इज इक्वल टू जाएगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 161 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, इससे खत्म, 6, 7, 8, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो एन जो है आपका यहाँ पर, एन जो है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, एन बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, ये होता है बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर एन नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये नहीं लाई करेगा। नेक्स्ट 7 क्या करें, आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ए 31 हमें निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। उस 11th टर्म इज 38, इसका 11th टर्म जो है वो 38 होगा। तो 11 का मतलब होता है एक कम डी, मैंने कहा ना सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू, तो 11th टर्म मतलब क्या होता है, ए प्लस में 10 डी, ये आपका 38 है इक्वेशन, अभी मैंने पहले किया था। और कह रहा है 16th टर्म 73 है, और 16th टर्म आपका 73, 16 मतलब क्या हो गया, ए प्लस में 15 डी जो है वो 73 दे रखा, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है, वो बात की बात है, पहले ए और डी बताओ कितना निकल के आएगा, क्योंकि अगर ए और डी पता हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, 10 में से 15 गया तो माइनस का 5 डी आएगा, और 13 में से 8 गया तो 5 निकल के आता है, 6 में से 3 गया तो 3 निकल के आता है, ठीक है, माइनस का खत्म हो गया। तो डी जो है कितना आ गया, 35 अपॉन पे 5, तो डी आ गया 57, जा डी 7 आ गया। अगर डी 7 यहाँ निकालते हैं तो ए प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल 38 निकल के आ गया, ए प्लस में 70 इज इक्वल टू 38 आ गया, तो ए आ गया 38 माइनस में 70, तो ए आ गया आपका माइनस में 32 निकल के, ए माइनस का 32 है और डी 7 आ गया। ए 31 निकालना है, ए 31 का मतलब ए प्लस में 30 डी निकालना है, ए माइनस का 32 है प्लस में 30 डी कितना है, 7 है, 7 × 21 माइनस 32 प्लस में 210 निकल के आ गया। अब ये 8 + 20 = 17, 178 आ गया प्लस का, तो 178 प्लस का आंसर निकल के आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 8 क्या कह रहा है। एक एपी में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है, कितने टर्म है, 50 टर्म, हूज थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 दे रखा है, मतलब ए प्लस में 7 बोलेंगे 2D आपको 12 दे रखा है, आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड द लास्ट टर्म, अब टोटल 50 टर्म थे और लास्ट टर्म 106, मतलब 50 टर्म ए 50 टर्म आपको 106 दे रखा है, ठीक है। तो ए प्लस में 49, डी आपको 106, ये सेकेंड इक्वेशन है। कह रहा है क्या निकालो, 29 टर्म, तो हमें ए 29 जो कि आपका ए प्लस में 28 डी ये निकालना है। अब ए और डी पता हो तो आराम से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ चुकी है, सॉल्व चैप्टर नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, तो माइनस का 47 डी और इक्वल टू माइनस का 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया 9 काटेंगे, तो डी यहाँ से 94 अपॉन पे 47, तो डी जो है हमारा 2 निकल के आ गया। अगर डी 2 है फर्स्ट में पुट करो तो ए प्लस में 2 × 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो ए प्लस में 4 = 12 हो जाएगा, तो ए आ गया 12 - 4, तो ए जो है हमारा 8 निकल के आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। चलो अब निकाल दो डॉट से, ए प्लस 28 डी, तो 8 + 28 डी कितना गया, 2, तो 28 × 56, 8 + 56, 8 × 6 = 14, तो 64 जो है आंसर निकल के आ जाएगा। कहाँ कहाँ है तू, 8 कौन सा क्वेश्चन है, 64, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके जो भी दे रखा ना इसको ब्रेक करना सीखो। नेक्स्ट 9 क्या बोल रहा है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपीआर 4, थर्ड टर्म ए 3 दे रखा है आपको कितना, 4, मतलब ए प्लस में 2D जो है वो 4 इक्वेशन फर्स्ट, बहुत सिंपल है, इक्वेशन लिखना आसान है। 9th टर्म ए 9 दे रखा है आपको माइनस का 8, मतलब ए प्लस में 8D जो है वो माइनस का 8 है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी 0, कौन सा टर्म 0 होगा, तो ए एन आपको 0 दे रखा है, उससे करस्पॉन्डिंग एन पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। तो पहले ए और डी निकालते बड़ा से, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गया, 2 में से 8 गया माइनस का 6D इक्वल टू माइनस इक्वल टू 12 आ गया प्लस का, ठीक है। तो डी आ गया माइनस का 2, अगर डी माइनस का 2 है पहले पुट करो तो ए प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 4 के बराबर आ जाएगा, और ए माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो ए आ गया 4 + 4 = 8, तो हमें ए जो है हम लोग 8 निकाल के बैठ गए। अब ए एन 0 दे रखा है,
पूछ रहा है एन क्या होगा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है और क्या होता है। ए एन जीरो है, ए आठ है और एन डी कितना है, डी आपका माइनस का टू है, तो ये आ गया माइनस का एट इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का टू, ठीक है। तो माइनस का एट अपॉन माइनस टू इक्वल टू एन माइनस वन, तो कितना आ गया फोर, तो फोर प्लस वन इक्वल टू एन आ गया और एन जो है वो फाइव निकल के आ जाएगा। तो फिफ्थ टर्म जो है वो जीरो का बिल्कुल सही आंसर है। मेरे सामने एनसीईआरटी का मैंने सोल्यूशन ओपन कर रखा है, बुक के पीछे जो दे रखा होता है वहाँ से मैं वेरीफाई करता चल रहा हूँ। नेक्स्ट टेन क्या बोल रहा है, ठीक है ध्यान सुनेंगे। द सेवनटीन टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स टेन टर्म बाय सेवन। अब ऐसे सिचुएशन में ना बच्चा होता है कन्फ्यूज, सर नहीं समझ में आता हमको, अरे बेटा बहुत आसान है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा। देखो जो हमने रीड किया ना उसको हमने मैथ के फॉर्म पे लिखना है, समझो कैसे, कह रहा है 17 टर्म जो है एक्सीड्स 10 टर्म, तो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, हो गया और कुछ नहीं है। ए 17 मतलब ए प्लस में 16d, ए 10 मतलब ए प्लस में 9d और प्लस में 7, ए से खत्म हो गया, 16d माइनस में 9d 7 के बराबर आ गया, ठीक है 16d है, ठीक है 16d, तो 16 में से 9 गए 7d इक्वल टू 7 आ गया और डी यहां से 1 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, हो गया इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं 11, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, ध्यान सुनना, इमेजिन करो 54 टर्म से 54th कोई टर्म है, उस जो भी टर्म निकाल लिया हमने उसमें 132 ऐड करेंगे तो एक नया ए एन निकल के आएगा, तो कौन सा टर्म वो होगा, एन, एन निकालना और वो होगा वो ए एन होगा, ठीक है वो ए एन होगा। ए एन क्या होगा, ध्यान सुनो, ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा हमारे पास भाई, उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है ना, तो ये आपका ए एन के बराबर हमें एन निकालना है, समझ गए। दोबारा समझो, एपी का कौन सा टर्म मतलब एन पूछ रहा है, उसके 54 टर्म कुछ होगा उससे 132 ऐड करेंगे ज्यादा तो कुछ नया निकल के आएगा, वो क्या है ये ए एन, ए 54 प्लस 132, तो हमें इसके करेस्पॉन्डिंग एन इक्वल निकालनी है। अब ए कितना हमारे पास 3 है और डी कितना आ गया, डी आ गया 15 माइनस में 3 जो कि 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है सारे लिए पता है, पुट करते हैं, ए एन होता है ए प्लस पे एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है और ये हो गया ए प्लस में 53d और प्लस से 132 आ गया। अब ए से तो ए कैंसिल हो गया, ठीक है अब एन हमें नहीं पता, डी कितना है, डी आपका 12 है इक्वल टू 53d हमारे पास 12 है और प्लस से 132 निकल के आ गया, ठीक है इंटू 12, तो 12 3 36, 12 5 60, 63 और प्लस में 132, इसको अलग से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, मैंने शॉर्ट ट्रिक के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जाके देख लेना, ठीक है। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 6 2 8 3 3 6 7 68, तो n माइनस 1 आ गया हमारे पास 768 अपॉन बाय 12, तो 12 6 72, 12 6 48, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64 आ गया और n आ गया 64 प्लस में 1 और n जो है वो 65 निकल के आ गया, कितना आ गया n 65 निकल के आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 12, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। आहा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, दो एपी, एक मान लो एपी 1 है ठीक है और एक एपी 2 है, ध्यान सुनना कॉमन डिफरेंस सेम है, मान लो इसका फर्स्ट टर्म जो है, इसका फर्स्ट टर्म मान लो पहले वाले का वो आपका ए है, दूसरे वाले कैपिटल ए, सेम नहीं ले सकते, सेम सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम सेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका 100 टर्म की बात करेंगे, इस वाले एपी की अगर मैं 100 टर्म की बात करूं, ए 100 की बात करूं, ठीक है ए 100 की बात करूं, कितना आएगा वो आगे भाई ए प्लस पे 90 एक कम डी होता है, इसका मैं 100 टर्म की बात करूं तो कितना आएगा ए प्लस पे 99d निकल के आ गया, इसका डिफरेंस 100 है, मतलब ए 100 माइनस में ए 100 आपका कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है चेक करते हैं, ए 100 होता है ए प्लस पे 99d माइनस में ए प्लस पे 99d, ये 100 दे रखा है, ठीक है जी, तो हो गया ए प्लस पे 99d माइनस में ए माइनस पे 99d, ये आपको 100 दे रखा है, इससे ख़त्म हो गया, मतलब ए माइनस में कैपिटल ए ये हमें 100 दे रखा है, इसका इस्तेमाल करेंगे अभी आगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कह रहा डिफरेंस क्या है 1000 टर्म तक का, अच्छा जी ए 1000 माइनस में 8000 ये हमें निकालना कितना होगा, तो 8000 क्या होगा ए प्लस पे एक कम डी 999d माइनस में ए प्लस में 999d निकल के आ गया,
जगह ए प्लस पे 999d माइनस में ए माइनस 999d, अब इससे खत्म हो गया तो हमें निकालना पड़ेगा ए माइनस में कैपिटल ए जो कि हमें 100 दे रखा है, तो इसका आंसर भी 100 ही निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये मुश्किल से दिखने वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगा है। मैंने कहा ना, क्या कहते हैं, हर चीज़ लगने लगेगा आसान अगर तुम ले रहे हो ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। 13 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे थ्री डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इस केस में हमें एपी बनानी पड़ती है। अभी तक आपको एपी दे रखा था या हिंट दे रखा था, भाई 17 टर्म इतना है, 14 टर्म इतना है, तो ए और डी निकाल रहे हम सॉल्व कर रहे थे, पर अब आपको एपी बनाना पड़ेगा। अब जो तीन डिजिट नंबर है वो 100 से शुरू होता है, तो आपको यह तो पता होना चाहिए पहला तीन डिजिट नंबर कौन सा जो 7 से डिवाइड होता है। नहीं पता कोई बात नहीं, 100 पहला होता है उसी को डिवाइड कर देते फटाफट से। तो 7 करेंगे, 7 वन जा 7 आ गया, कितना 3 आ गया, 0 तारा 7, 4 जा 28 निकल के आ गया, तो माइनस कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। इसका मतलब हमारे पास 100 में 2 हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है, तो 7 से डिवाइड होने के लिए 5 और चाहिए। 5 और होता, 100 में 2 इंक्लूड है ना, सुनो 98 होता, दो रिमाइंडर आ रहा है, 98 होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो 98 प्लस 7 कितना हो गया, 105, तो 105 आपका पहला होगा, फिर 112, फिर 119। अब आखिरी नंबर निकालना है, तो आखिरी नंबर होता है आपका 999, तो 999 को ही डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 से, 7 एकम 7, 2 9 आया, 7 चौक 28, कितना आया, 1 आया, और फिर 9 आया, ठीक है, 7 टू जा 14, कितना आया, 5 निकल के आ गया। तो 999 में 5 फालतू है, माइनस कर दो, 999 माइनस 5 994, तो 994 इस तरीके से हम एपी निकाल सकते हैं। तो पहले वाले में कितना जो भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लाने के लिए रिमाइंडर में कितना जोड़ना पड़ेगा उतना ही जोड़ दो, लास्ट में कितना फालतू वो घटा दो। तो स्टार्टिंग में जोड़ना होता है, लास्ट में घटाना होता है। अब ए पता है हमें कितना, 105, ठीक है, डी पता है 7 है, और ए एन पता है 994 है। अब कितने टर्म होंगे, तो हमसे पूछ रहा है ए, मतलब एन पूछ रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है। तो 999 इज इक्वल टू ए कितना 105 प्लस में एन माइनस वन, डी कितना, डी आपका 7 है, तो 994 माइनस 105 आ गया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7 के बराबर, ठीक है, ओके। तो 14 में से 5 गया आएगा 9, 8 में से 9, ये 8 आ गया, और ये 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस वन आ गया। काटो से 7 एकम 7 बचा, 1 7 दुनी 14 बचा, 4 7 से 49 प्लस 7 इक्वल टू एन आ गया, और एन आ गया 128, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, बहुत बड़ी तीन एक्सरसाइज, बहुत बड़े बड़े यार, एक इसमें 19 क्वेश्चन, उसमें 20 क्वेश्चन, फिर और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा फास्ट बोलना तो पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पास 14 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाए बिटवीन 10 to 250, ठीक है, 10 के बाद और 250 से पहले। तो पहला 12 होता है, फिर 16, फिर आपका आएगा 20, फिर ऐसे करते करते 248 आखिरी नंबर होता है जो कि डिवाइड होता है। एपी बन गई फटाफट से हमारी। अब यहाँ पर एन निकालना है, तो ए हमारे पास 12 आ चुका है, डी हमारे पास 4 ही होगा, ए एन हमारे पास 248 है, और एन हमसे पूछ रहा कितना होगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। तो 248 इक्वल टू ए 12 है प्लस एन माइनस वन डी कितना आपका 4 निकल के आ गया। तो 248 माइनस में 12 कितना आ गया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 4 आ गया। तो 632 बटे पर 4 इक्वल टू एन माइनस 1, काटो 4 पंचे 20, 4 निम 36 प्लस में 1 इक्वल टू एन, और एन आ गया 60। तो 60 नंबर जो है आपके यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी आर इक्वल, दोनों का nth टर्म बराबर होगा, ठीक है। दो एपी हमारे पास, एक एपी 1 है, ठीक है, और एक हमारे पास एपी 2 दे रखा है। वन में कह रहे 63.65.67... दूसरा एपी है 3.10.17... अब बोल रहा है इसका nth टर्म और इसका nth टर्म अगर बराबर तो किस n के लिए होगा। तो अगर मैं इसका nth टर्म निकालूं, इसमें a आपका 63 है और d हमारे पास 2 निकल के आ गया, इसमें a 3 है और d जो है वो 7 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, इसी है, ठीक है। तो इसका nth टर्म कितना होगा, a n, वो हमारे पास ठीक है, इसका ना डी एक काम करो, सेम नहीं है ना, सेम मत लिखो, ठीक है, इसका कैपिटल लिखो, कैपिटल लिखो इस तरीके से, ठीक है। तो देखा क्या होगा, ए प्लस पे एन माइनस वन डी होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर हमारे पास ए 63 है
प्लस पे एन माइनस वन डी कितना है, डी आपका 2 है, तो आ गया 63 प्लस में 2n माइनस में 2, तो 65 प्लस में 2n, ये इसका nth टर्म निकल के आ गया, ये इसका nth टर्म निकल के आ गया। ठीक है, इससे बात करें an की, तो अगेन वही a प्लस पे n माइनस वन टू डी। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, an आएगा, a कितना है 3 प्लस पे n माइनस वन, डी कितना आपका 7 है, जाएगा 3 प्लस में 7 n माइनस में 7, तो जाएगा 7 n माइनस में 4, ये इसका anth टर्म निकल के आ गया। अब कह रहा है दोनों अगर बराबर होंगे तो किस n के लिए होंगे, तो ए एन बराबर पे आपको ए कैपिटल एन दे रखा है, आइए करते हैं, 65 प्लस में 2n बराबर हो गया 7n एन माइनस में 4। ठीक है, तो 65 प्लस में 4 इक्वल हो गया 7n एन माइनस में 2n, कुछ तो गड़बड़ है रे, कुछ तो गड़बड़ है रे, हाँ वही मेरे को गड़बड़ है, यहाँ पर 63 में से 2 है, 61 आएगा ना, 61 आएगा, वही गड़बड़ थी, 61, ठीक है 61 है, 65 इक्वल टू 5n और n आ गया 65 अपॉन 5, तो n आ गया 13 के बराबर। तो 13 टर्म के लिए दोनों का nth टर्म बराबर होगा, यस बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 16 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 16, एपी बनानी है, थर्ड टर्म 16 है, ए 3 आपका 16 है, मतलब ए प्लस में 2d जो है वो 16 के बराबर पहली इक्वेशन हो जाएगी, आसान। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, जो बोला उसको लिखना है, ए 7 ए प्लस में 6d, ए 5 ए प्लस में 4d, एक कम d होता है, डी से डी कैंसिल हो गया, तो 6d माइनस में 4d 12 के बराबर निकल के आ गया, और 2d 12 आ जाएगा, और d आ गया 2 6 12, डी 6 निकल के आ गया, तो अगर d 6 है तो d आपका 6 इक्वल 16 आ गया, और 6 दुनी 12 इक्वल 16 हो गया, और a आ गया 16 माइनस में 12, तो a आ गया आपका 4, a कितना गया 4 हो गया। ap क्या होती है भाई, ap होती है, ap कैसे बनेगी, a 4 और d 6, 6 4 10 4 16 4 नहीं 16 और 6 22, तो 4 10 16 22 मेरे ख्याल से ap बन जाएगी, बिल्कुल सही है। नाउ चलते हैं 17 क्या कह रहा है, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया नहीं, यहाँ पर जिक्र है, मैं कम से कम कोशिश करता हूँ वो कन्फ्यूज़ करने की, मैं सारी चीज़ एक बार बता दूँ है ना तो बहुत दिक्कत आएगी, तो मैं धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहती है वो चीज़ें बताता चलता हूँ, कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि आगे बतानी चाहिए। कह रहे फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमने अब जो भी टर्म निकाले थे वो स्टार्टिंग से निकाल लेते, ठीक है ध्यान सुनना, अभी जो ए पी है वो कैसे दे रखे हमारे पास, उधर के 3, 8, 13, ....253 ये दे रखा है हमें, हम तो स्टार्टिंग से 20 निकालना आसान है, फॉर्मूला पता है, पर पीछे से निकालने का फॉर्मूला नहीं पता, तो उसका फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। अगर हम पीछे से निकालना हो तो फॉर्मूला होता है L माइनस पे N माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, और L का मतलब होता है लास्ट टर्म, ये उतार लो फटाफट से, ठीक है उतार लिया आप लोगों ने, कितना आएगा हमारे पास, ये तो AP को उल्टा करके निकाल सकते हो, देखो कोई बच्चा कहे सर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं जो आपने सिखाया उल्टा करके देखता हूँ मैं, ठीक है तो आप उल्टा कर दो AP को, 253, ठीक है अगला नंबर कितने डिफरेंस है, 5 का ना, तो अगला कितना होगा 248 होगा, और ऐसे करते करते आपका लास्ट में 8 और 3 आएगा, तो ये अब निकाल दो 20 टर्म तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ए और डी बदल जाएगा, पर अब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर्मूला क्या हो गया, लास्ट टर्म क्या है 253 है, माइनस में एन कितना हो गया 20, और डी कितना आपका, डी हो गया आपका 5, तो 253 माइनस में 19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 253 माइनस में 9 पंचे 45, 5 एक 5 9, ठीक है तो 13 में से 5 गया 8 और 24 में से 9 गए तो 15, 158 निकल के आएगा, सही है यस 158 इज़ द राइट आंसर, 820। तो इस तरीके से आप लास्ट टर्म से, या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला का जिक्र आपके RS और RD में, NCERT में इसका जिक्र नहीं किया गया, नहीं बताया था इसमें, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, वरना AP को उल्टा करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी तक आपको किस किस बच्चे को ये पता था और कौन कौन सा बच्चा इस तरीके से करता था मुझे बताना। नेक्स्ट चलते हैं 18 क्या बोल रहा है, अब हमारे पास क्या है 18 क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24, कह रहा फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म जो है वो हमें 24 दे रखा है, एंड सम ऑफ सिक्स टर्म और टेंथ टर्म, सिक्स टर्म और टेंथ टर्म को जोड़ने पर 44 आ रहा है, तो हमें AP के तीन टर्म को लिखना है, ठीक है तो a प्लस में ये हो कितना हो गया 3d प्लस में a प्लस में 7d, ये 24 के बराबर आ गया, तो 2a प्लस में 10d ये आपका 24 के बराबर आ गया, ठीक है यहाँ पर करेंगे तो a प्लस में 5d, ठीक है प्लस में a प्लस में 14d
अरे क्या हो गया दादी, अरे क्या हो गया दीपक जी, ए प्लस पे 90 जो है आपका 44 के बराबर आ गया, ठीक है। तो 2 ए प्लस 9 5 14, डी इक्वल टू 44 हो गया, ठीक है। अब 2 कॉमन करके काट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए प्लस में 5 डी और 2 बाहर चला गया, इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे तो आ गया हमारे पास ए प्लस में 5 डी 12 के बराबर आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ए प्लस में 7 डी आपका 44 के बराबर है, तो काटेंगे इसको तो आएगा ए प्लस में 7 डी जो है 22 के बराबर, इक्वेशन नंबर सेकेंड निकल के आ गया, ठीक है। तो माइनस 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 ये खत्म हो गया, माइनस का 2 डी माइनस के 10 के बराबर आ गया और डी जो है वो 5 निकल के आ जाएगा। अगर डी 5 है पहले पुट करेंगे तो ए प्लस में 5 25 इक्वल 12 हो गया, तो ए आ गया 12 माइनस है 25, ठीक है। और ए आ गया माइनस का 13, ए माइनस का 13 है और डी 5 निकल के आ चुका है, तो ए भी निकालना है। ए ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, बस 3 टर्म बहुत है, ठीक है। ए पी का ये हमें लिखना है, तो ए तो आपका आ गया माइनस का 13, ठीक है। ए कितना है, माइनस का 13, और ए प्लस डी माइनस 13 प्लस 5 माइनस का 8 आएगा, तो घटा दो माइनस का 3 आ गया, ये आपका एपी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 एंड 20। दो क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि अक्सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो एपी हमेशा अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में आना चाहिए, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, समझना चाहिए कि क्या यहाँ पर बोल रहा है। सुब्बा राव ने स्टार्ट किया काम करना सन 1995 पे, सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। तो सालाना एनुअल सैलरी, बाप रे, 5,000 साल में, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईयर। तो मान लो पहले साल उनकी सैलरी 5,000 थी, दूसरे साल में 5,200 थी, तीसरे साल 5,300 थी, चलता गया। विच ईयर डिड ही इनकम सात, किस कौन से साल उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी, कौन से साल में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इतनी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कौन से ईयर में, तो एन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए हमारा कितना आ गया 5,000 निकल के आ गया, डी कितना आ गया 200 माइनस करके निकाला, और ए एन कितना हमारे पास 7,000 है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकल के आएगा। तो ए एन आ गया हमारे पास ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलिए तो ए हमारे पास 5,000 है इक्वल टू ए, सॉरी ए एन 7,000 है, एन 7,000 है इक्वल टू ए कितना है 5,000 प्लस में एन माइनस वन डी कितना आपका 200 निकल के आ गया, ठीक है। तो 7,000 माइनस में 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई पर 200 निकल के आ गया। तो आगे था 2,000 अपॉन पे 200 इज इक्वल टू हो गया एन माइनस वन, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कितना आ गया 10। तो 10 प्लस में 1 इक्वल टू एन निकल के आ गया, और एन जो है वो 11 निकल के आ जाएगा। एन कितना आ गया, एन हमारे पास 11 निकल के आ जाएगा। तो 11th साल में, 11वें साल में उनकी सैलरी जो है सुब्बा राव की 7,000 हो जाएगी 11th साल में, ठीक है। नेक्स्ट 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 20 क्या बोल रहा है, रामकली डिस्को चली, रामकली सेव्ड 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक। पहले के नाम कितने बढ़िया होते हैं, रामकली, अनारकली, डंडावती, बट अब के नाम तो पता नहीं क्या क्या होते जा रहे हैं, सोनी, रीता, टोनी, मतलब डॉग वाला नाम भी रखना शुरू कर दिया अब तो। रामकली सेव्ड 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, साल के पहले वीक में 5 रुपए बचाए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.7। इफ इन द एंथ वीक हर वीकली सेविंग, अगर किसी एंथ वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो गई, तो एन क्या होगा, बहुत सिंपल है, ए पी बताओ। पहले 5 1.75 और जोड़ दो तो 6.75, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में 20.75, ये एपी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 1.75, ठीक है, और ए एन दे रखा है 20.75। हमें एन निकालना कौन से वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ए एन होता है हमारे पास क्या, ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी होता है। तो 20.75 इज इक्वल टू ए कितना है 5 है, प्लस में एन माइनस वन डी कितना है, डी आपका 1.75 है, ठीक है। तो 20.75 माइनस में 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है। तो 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन, कितनी बार में कटेगा ये, अभी मेरे ख्याल से 9 बार में कटना चाहिए, 9 5 45, 9 7 63 60, हाँ ठीक है, 9 टाइम्स में कट जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू एन आ गया, और एन जो है हमारा वो 10 आ गया। तो 10th वीक में जो है
अपना इसका सेविंग 20.75 हो गया। आंसर मैं चेक करता चल रहा हूँ, साथ साथ गड़बड़ ना हो। और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का सेकंड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2, वो हो जाता है खत्म। अब ना यहाँ पर देखो, सेकंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। अभी तक हम लोग एक फॉर्मूले के आधार पर कर रहे थे, भाई एन क्या होता है, सिंपल एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने सब जगह लगाया, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक फॉर्मूला और जोड़ देंगे। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की, जहाँ पर सम ऑफ टर्म की बात करते हैं। तो उसका जो है इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं क्या है। देखो मान लो मैंने बोला कोई मेरे पास नेचुरल नंबर है, मैंने बोला भाई दो, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 करते 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 मान लो मैंने बोला इसको ना 200 तक जोड़ दो, 200 तक जोड़ के बताओ। अब मैं अगर कैलकुलेटर से बैठो 2+4+6+8 तो बहुत दिक्कत देगी। तो हम चेक करेंगे एपी में है, एपी के जो लास्ट नंबर, लास्ट निकल रहा बारह मुंह से, जो एपी में जो नंबर लिस्ट हो रखा है ना, उसको अगर हम सम करना, तो एपी में एक फॉर्मूला है उसके लिए। क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, तो 2+4+6+8+10 ... +200। ये बहुत लंबा होता है अगर हम कॉपी में करने बैठेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है सम का एसन, वो होता है हमारे पास एन अपॉन पे टू, और होता है ए प्लस पे, सॉरी 2a+p (n-1)। ये फॉर्मूला होता है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सम निकाल सकते हैं। हमें एन पता होना चाहिए, एसन का फॉर्मूला होता है। थोड़ा और इसको मॉडिफाई करेंगे, एसन आ गया हमारे पास एन अपॉन पे टू, 2a को लिख दो ए प्लस में ए प्लस पे (n-1)। अब ये ए प्लस (n-1)d होता है ए एन फॉर्मूला ना, भूल गए, ए एन क्या होता है, ए प्लस पे (n-1)d, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह मैं ए एन लिख दूंगा, तो एसन आ गया हमारे पास एन अपॉन पे टू, और हो गया ए प्लस पे ए एन, और ए एन को लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो चाहे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जब ए एन दे रखा हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और जब ए डी और एन दे रखा हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यही होता है सम। तो इसका हम सम बड़े आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन मैं आपको करके बताता चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी टू अप टू 10 टर्म। तो 10 टर्म तक का सम निकालो, तो एन आपको 10 दे रखा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए हमें 2 दे रखा है, ठीक है, और डी हमें 7-2 = 5 दे रखा है, ठीक है, और एन हमें 10 दे रखा है। हमें एस एन निकालना है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब एस एन बोल लो या एस 10 निकालना बोल लो, ये बात एक ही है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है एन अपॉन पे टू, फॉर्मूला याद करो साथ साथ बोलो, 2a + (n-1)d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एन 10 है अपॉन 2a, और 2 × 2 एन कितना हो गया नहीं पता, और डी कितना है, अरे एन पता तो एन 10 है, एन हमारे पास क्या है 10 है, और डी कितना है, डी आपका 5 दे रखा है, ठीक है। तो हो गया 5, 2 × 4, 9, 5 = 45 निकल के आ गया, तो 5, 49 हो गया, तो 9, 5 = 45, 5 × 20 = 24, 245 जो है आपका सम निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड वाला, देखो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, चल छोड़ ये मैं खुद करके बता, फिर तुमको सर आपने आसान वाला कर लिया, मुश्किल रहने दिया। ए जो है आपका माइनस का 37 है, डी कितना है -33 - -37 है, जो कि आ गया -33 + 37, जो कि डी 4 निकल के आ गया, +4 + 4 चल रहा है, ठीक है, 4 निकल के आ गया। अब एन हमें 12 दे रखा है, एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन पे टू, ठीक है, और 2a + (n-1)d, ये हमारे पास सूत्रा सा फॉर्मूला होता है एस एन को लेके, है ना। तो एन कितना है 12 / 2a, ए हो गया हमारे पास माइनस का 37 और प्लस में (n-1), और डी एन तो 12 है ना, तो 12 - 1 डी आपके पास 4 है, तो 4 लगा दी करिए, तो 6 × -74 है ना, ठीक है, और 11 = 44 + 44 तो हो गया 6 × 30 जो कि आपका 180 निकल के आ गया। तो 180 सम निकल के आ चुका, बहुत आसान है सम निकालना, बस फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास दे रखा 100 टर्म तक का, और ये चलो फटाफट से निकालते हैं, है ना। तो ए हमारे पास दे रखा है 0.6 और डी दे रखा है 1.7 - 0.6। मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे ने कहते हैं अरे सर यार ये ना पता नहीं कैसा यार ऊटपटांग, कितना भी ऊटपटांग सा दे रखा हो पर सॉल्व करने की एबिट डालो फटाफट से, एंजॉय क्या करो, 1.1 निकल के आ गया और एन हमें 100 दे रखा है, ठीक है। सम निकालना है, तो ऐसा नहीं क्या होता है, वो होता है एन अपॉन पे टू, ठीक है, और 2a + (n-1)d दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो एन कितना है, एन बोलो 100, तो 100 / 2 हो गया, और 2a, a हमारे पास 0.6 है, प्लस में 100 - 1, और d हमें दे रखा है 1.1।
तो ये हमारा 50 हो गया और 1.2 प्लस पे 99 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। अब 99 को 1.1 से करेंगे तो 99 तो 9 और 18 9 10 10 108.9, तो 108 है। फास्ट कैसे करा, ट्रिक की वीडियो बना रहे, सर्च करना कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 9 2 11 8 9 10, ठीक है, 1 और 1, अरे क्या हो गया, दोबारा सुनो, तो कितना आएगा, 9 2 11 बच्चा एक ऊपर गया, 8 9 10, ठीक है, फिर 101.1 आ गया, ठीक है। अब 85 5 5 0 5 5 5 5505 निकल के आ जाएगा, चेक करें, 55 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है इसके, वो समझते हैं फटाफट से। मन ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, बहुत सारी ट्रिक बताई है मैंने आप लोग। चलो, तो ए दे रखा है 1 अपॉन पे 15, ठीक है, और डी दे रखा है 1 अपॉन पे 12 माइनस पे 1 अपॉन पे 15, जो कि आ गया 15 और 12 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, चैप्टर में नहीं पढ़ा ही नहीं, एलसीएम निकाली जाती है, एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो कितना हो? वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 60 होता है, तो 12 4 12 5 60 65, तो 1 अपॉन 60 निकल के आ गया डी, एन 11 है, ठीक है। तो लगा फॉर्मूला, तो एसन होता है हमारे पास कितना, एन अपॉन पे 2 और 2a प्लस पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। n कितना है हमारे पास, 11 अपॉन 2, 2a a कितना है, a हमारे पास 1 अपॉन 15 है, प्लस n माइनस 1 n कितना है, 11 माइनस 1, d कितना है, d हमारे पास 1 अपॉन 60 है, ठीक है। तो आ गया 11 अपॉन पे 2, 2 अपॉन 15 प्लस में 10 और इनटू हो गया 1 अपॉन पे 60, तो ऐसा आ गया 11 अपॉन पे 2, 2 अपॉन 15 और हो गया 1 अपॉन पे 6। अगेन वही एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और 15 और 6 जो वो नंबर सबसे छोटा जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 15 2 60 60 पे होता है, तो नहीं 60 नहीं 30 पे भी काम चल जाएगा, 30 पे काम चल जाएगा छोटा, 15 2 30 2 4 6 5 30 इतना, तो 9 अपॉन 30, तो ऐसा आ गया हमारे पास 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन पे 30, तो 3 3 9 3 10, तो 33 अपॉन पे 20 निकल के आ जाएगा, 33 अपॉन 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, कैलकुलेशन यार कुछ नहीं है बाकी चैप्टर में, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, कितने क्वेश्चन इसमें, ठीक है, थर्ड में। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, अब दोनों में अंतर समझो, 7 10 1 upon 2 14 .84 तक का सम निकालो। अब सम अगर हमें निकालना है तो क्या क्या दे रखा है डाटा, ए दे रखा है 7, ठीक है, डी की बात करो कितना आएगा, 10 2 20 21 21 / 2 माइनस में 7 नीचे 1 लगाओ, तो आ गया 21 माइनस में 14 upon 2, जो कि आ गया डी, आ गया 7 upon 2, और ए एन हमें दे रखा है 84, ए एन कितना दिया 84, लास्ट में ना ए एन 84 दे रखा है, हमें एन नहीं पता है और हमें एस एन निकालना है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला जब ए एन दे रखा हो तो क्या होता है, एस एन होता है हमारे पास एन अपॉन पे 2 और ए प्लस ए एन होता है, तो ए तो पता है, ए एन पता है, एन नहीं पता, अब एन कैसे निकाले, पर कोई बात नहीं ना, हमें एक फॉर्मूला और भी तो पता ना, ए एन क्या होता है, ए एन वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो ही तो फॉर्मूले भाई, एक से नहीं होता दूसरे से हो जाएगा। ए एन क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है। अच्छा, ए एन कितना 84 है, ए कितना हो गया 7, प्लस पे एन माइनस 1 नहीं पता, डी कितना है, डी आपका 7 अपॉन 2 है, ठीक है, तो 84 माइनस में 7 हो गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, अब 84 में से 7 गया तो 4 यहाँ गया 3, 77 निकल के आ गया, इज इक्वल टू जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन पे 2, ठीक है, 7 से काटो 11 बार में 22, तो 22 प्लस में 1 इक्वल टू n आ गया, और n जो है आपका 23 निकल के आ जाएगा, n कितना आ गया, n 23 निकल के आ गया, बस n चाहिए था, n मैंने यहाँ से निकाल लिया 23 होगा, तो यहाँ पर n को 23 लिखे, तो इस तरीके से आप दो फॉर्मूले दे रखें, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब बस सम का फॉर्मूला में ऊपर लिखा हुआ है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब ऐसा होता है n अपॉन 2, तो 23 अपॉन पे 2, a कितना है 7 और an कितना है 84 है, ठीक है, तो ऐसा आ गया
23 अपॉन पे 2 और 84 और 7 होता हमारे पास 91। तो ऐसा ना आ गया, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ आंसर, देखिए कौन सा क्वेश्चन है सेकंड का। तो ये आ गया आपका 1046 1 अपॉन 2 जो है आंसर तेरेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना अपने हिसाब से, ऐसा तुम्हारा इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो हमने क्या यहाँ पर n निकालना पड़ा, n निकालने के लिए हमने an वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है ये तुम्हें अभी वीडियो को पॉज करना है और मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सेकंड वाले का आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से सारे के सारे बच्चे अभी के अभी देंगे। लास्ट थर्ड वाला जो है मैं कराता हूँ फटाफट से, कैसे करना है। a हमारे पास माइनस का 5 है, d निकालेंगे माइनस का 8 माइनस माइनस का 5 जो कि माइनस का 8 प्लस में 5 माइनस का 3 निकल के आ गया। और an जो है हमारे पास माइनस का 230 निकल के आ गया, ठीक है। अगेन वही वाली बात है, हमारे पास एस एन का जो फॉर्मूला होता है जब ए एन दे रखा हो तो एन अपॉन पे 2 ए प्लस में ए एन निकल के आता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें एन निकालना पड़ेगा और एन निकालने के लिए हमें ए एन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें फाइनल फटाफट से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। माइनस का 230 इक्वल टू ए कितना है, माइनस का 5 है। एन डी कितना है हमारे पास, माइनस का 3 है, ठीक है। तो माइनस का 230 और प्लस में 5 इज इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। तो आपका आ गया माइनस का 225, ठीक है, डिवाइडेड माइनस का 3 इक्वल हो गया एन माइनस 7, इसे खत्म हो गया 5 3 7 21 3 5 15 इक्वल टू एन इक्वल टू 1 हो गया। तो एन जो है आपका 76 निकल के आ गया। एन कितना आ गया, 76 निकल के आ गया। पुट करो एन 76 अपॉन पे 2 ए प्लस ए एन, ए आपका माइनस का 5 है और ए एन आपका माइनस का 230 है, ठीक है। तो कितना आ गया, 236 2 8 16, तो माइनस का 235 निकल के आ गया। सॉल्व करेंगे आपका माइनस का 8930 जो है वो निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 8930। तो सेकंड वाले का आंसर आई होप आप सबने कमेंट कर दिए, माइनस का 8930। तो मेन चीज ये था कि देखो पहचाना कैसे, इस वाले क्वेश्चन ने कहा था 100 टर्म तक का सम निकालो, तो एन दे रखा था, यहाँ पर वो टर्म दे दिया है और बोला इतने तक का सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए हमें एन पता होना जरूरी है, एन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास बन जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और अगर थर्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत कहीं निकल के नहीं आती और फिर फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए पहले पानी पीते हैं, पानी की बोतल कहाँ चलेगी मेरी, अच्छा मैंने पीने के लिए यहाँ रखी थी और यहीं की यहीं पड़ी हुई है। चलो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है अगर ए 5 दे रखा है, डी 3 है और ए एन 50 है, एन निकालो, तो एन तो निकालेंगे ए एन से, ठीक है। तो 50 इक्वल टू ए 3 है प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है, ए 5 है और डी 3 है, ठीक है। तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है। 45 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1, 3 वन जो 3 3 5 जो प्लस में 1 इक्वल टू एन, और एन जो है वो 16 निकल के आ गया। एन कितना आ गया, 16 आ गया। अब एसएन निकालना है, अब एसएन जो होता है हमारे पास क्या होता है, एन अपॉन पे 2 ए प्लस पे ए एन होता है। तो 16 अपॉन 2 ए प्लस ए एन, 5 प्लस में ए एन 50 है, तो ये कितना 8 आ गया और 55 आ गया, 8 पंचे 40 44 440 जो है आपका एसएन निकल के आ जाएगा और एन आपका 16 है। तो बहुत ही सिंपल है आंसर, ये साथ साथ चेक कर चलो, आंसर की दिक्कत मत लेना, ठीक है। चलो सेकंड वाला पार्ट करते हैं, सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं, कह रहा है अगर ए 7 दे रखा है और ए 13 35 है, ए 13 35 है मतलब ए प्लस में 12 जो है वो 35 है। अब ए 7 दिया हुआ है प्लस में 12 आपका 35 के बराबर आ गया, तो 12d इक्वल टू हो गया 35 माइनस में 7, तो 12d जो है आपका 28 निकल के आ गया, d आ गया 28 अपॉन में 12, ठीक है। तो 4 काटो किससे कट गए, 4 7 जो 4 3 है, तो d आपका 7 अपॉन 3 निकल के आ गया और आपका a 7 दे रखा, ठीक है। अब हमें बोला गया क्या निकालना है, हमें निकालना है s 13 निकालना है। अब देखो ध्यान सुनना, sn का मतलब होता है n अपॉन पे 2 और a प्लस पे an होता है। इसी प्रकार से अगर मैं S13 की बात करूं तो 13 अपॉन 2 और A प्लस में A13 लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से आप एडजस्ट कर लिया करो। तो 13 अपॉन 2 A कितना हमारे पास बोलो, अरे D तो निकालनी उतनी थी, अच्छा D बोला गया था, ठीक है।
S13 कितना हमारे पास, S30 A कितना हमारे पास, A7 है, और प्लस A13 कितना है, A13 45 है। तो 13/2 और 35 42 आ गया 21, ठीक है, 13 + 13 = 26 = 27, 273 जो है आंसर निकल के आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, A12 37 है और D3 दे रखा, तो A निकालना है। तो A12 आपका 37 दे रखा है, मतलब A प्लस में 11 D जो है वो 37 के बराबर है। अब D3 दिया हुआ है ना, तो D पुट करो, तो D आपका 3 दे रखा है तो 37 के बराबर हो गया। तो A प्लस में 33 = 37 आ गया, और A आ गया 37 माइनस में 33, और A जो है वो 34 के बराबर आ गया। A 34 आ गया है और अपने पास D ऑलरेडी 3 दे रखा है, और A निकालना तो निकाल लिया। अब S12 निकालना, अभी बताया मैंने S12 क्या होता है, 12/2, ठीक है, और A प्लस में A12, ये फॉर्मूला होगा भाई, SN होता है N/2 A प्लस SN, तो S12 12/2 A प्लस A12, ठीक है। तो आ गया आपका 6 × A कितना था, 34 प्लस में A12 कितना है, 37 है, ठीक है, तो प्लस में 37 निकाल लो इस तरीके से। तो 6 × 4 = 11, 3 × 3 = 6 और 1 = 7, तो 6 + 6 = 42, 426, 426 जो है आपका आंसर निकल के आएगा, 246 लिखा भाई इसमें तो। अरे 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 अरे, मैं बिना क्या हो गया हूँ, ये प्लस का 4 आएगा आपका, ये प्लस का 4 आएगा, A4 है, ये आपका 4 है, A4 है, इसलिए ना मैं हाथ में आंसर लेके चल रहा हूँ, ताकि कोई गड़बड़ हो तो भाई बाद में दिक्कत ना आए, यहीं सॉल्व हो जाए। 41 तो 426 आ रहा था, 246 आ गया, कोई दिक्कत नहीं अंदर ज़्यादा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट, ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, इसमें बताते हैं। A3 15 दे रखा आपको, तो A प्लस में 2D जो है 15 हो गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। S10 125, S10 क्या होगा, 10/2, ठीक है, और 2A प्लus 1 + D 9D = 125 निकल के आ गया, 1 + D, ऐसा क्या होता भाई, N/2 और 2A प्लस N-1 एक कम होता ना, तो S10 है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये 5 आ गया, 5 और काटो तो 2A प्लस पे 9D निकल के आ गया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 10, ठीक है। इसे A निकालो कितना आ गया, 15 माइनस में 2D, तो फ्रॉम फर्स्ट हमने A की वैल्यू निकाल ली है, अब A यहाँ पर पुट कर दो, तो 2 × A 15 माइनस में 2D था, और प्लस में 9D आपका 25 के बराबर है, तो 30 माइनस में 4D जो है आप प्लस में 9D आपका 25 के बराबर आ गया, तो 5D इसका आ गया, ठीक है, 5D माइनस 5 के बराबर आ गया, D आ गया आपका माइनस का 1, D हमारे पास माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब A निकाल लो, A कितना आ गया, 15 माइनस में 2 × -1, तो 15 प्लस में 2A आ गया आपका 17, A 17 दे रखा है और D माइनस का 1 है, हमें A10 निकालना है, 10 टर्म निकालना है, तो A10 होता है A प्लस पे 9D, जो कि आ गया A प्लस पे 9D कितना है, माइनस का 1 है, तो 17 माइनस पे 9 जो है आपका 8 आ गया, तो A10 आपका 8 निकल के आ गया, और ये आपका D जो है माइनस का 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ, क्या बोला ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है D5 है और S9 75 है, तो A क्या होगा और A9 क्या होगा, चलिए करते हैं। S9, अब S9 का होता है भाई 9/2 और 2A प्लस में 1 + D, तो 8D ये आपका 75 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब D आपको 5 दिया हुआ है, तो 9/2 और 2A प्लस में D5, 8 × 5 = 40 = 75 निकल के आ गया, कटेगा ये 9 से, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 3, ठीक है, तो 3/2 × 2 2A प्लस में 40 = 25 निकल के आ गया, ठीक है, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो कितना आ गया, A प्लस में 20 = 25 निकल के आ गया, खत्म हो गया, तो A प्लस में 20 आ गया 25, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो A आ गया 25/3 माइनस में 20 नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है, तो A आ जाएगा 25 माइनस में 60/3 जो कि आ गया माइनस का 35/3, तो A माइनस का 35/3 जो है निकल के आ गया, बिल्कुल सही है। अगर A निकल के आया है -31/3, ठीक है, अब हमें A9 निकालना है, अब A9 क्या होगा, A9 होगा हमारे पास A प्लस में 8D, ठीक है,
अब ए कितना है माइनस का 35/2 और प्लस में 8, डी कितना, डी आपको 5 दे रखा है, तो माइनस 35/2 8 × 5 = 40, नीचे 1 लगा देंगे, 40 × 2 = 80 होता है, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अपॉन बाई 2, तो ए कितना आ गया 80 में से 35 गए 5 4 45/2, ठीक है, ये कैसे होता है, ए 9 निकालना, ए 35/3 है, ये 2 नहीं है भाई, 3 है, ये 3 है, ये 2, ठीक है, तो ये आपका 3 है, ठीक है, तो माइनस का 35/3 प्लस में 8 × 5 = 40, तो माइनस का 35 प्लस में 120/3, तो 120 में से 35 गया 5 यहाँ बचेगा, ठीक है, और 11 बच गया 8, माइनस का और प्लस का 35/3 निकल के आ गया, तो ए 9 आपका इतना निकल के आ जाएगा और ए आपका इतना आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं इसका 6th पार्ट, ये वाला, इसको मिटाते चलते हैं, इसका 6th पार्ट करते हैं फटाफट से, क्या कह रहे हैं, ए दे रखा है 2, डी दे रखा है इतना, एस एन दे रखा है इतना, फाइन एन निकालना है, तो एस एन 90, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो भाई एन अपॉन पे 2, ठीक है, 2 ए प्लस में एन माइनस 1 टू डी, ये होता है, ये आपको 90 का और दे रखा है, ठीक है, अब एन अपॉन 2, 2 ए, ए कितना आपका 2 दे रखा है, प्लस एन नहीं पता, डी कितना, डी आपको 8 है और इक्वल टू में 90 निकल के आ गया, ठीक है, तो एन अपॉन 2, 2 जो कितना हो गया 4 प्लस में 8 एन माइनस में 8, ये आपका 90 का और निकल के आ गया, ठीक है, तो n अपॉन 2 ये हो जाएगा अपने पास कितना 8n माइनस में 4 इज इक्वल टू 90 निकल के आ गया, 2 कॉमन कर लो, n अपॉन 2 आ गया, 2 कॉमन करके 4n माइनस में 2 इज इक्वल टू 90 निकल के आ गया, ठीक है, ये खत्म हो गया इससे, ठीक है, एक काम करो 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लो 4, तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 कॉमन कर लो, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 90 निकल के आ गया, 2 × 4 ये 45 हो गया, ठीक है, तो हो गया 2n का स्क्वायर माइनस में n इक्वल टू 45, तो 2n का स्क्वायर माइनस में n माइनस 45 इक्वल 0, अब क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम सबको आना चाहिए, माइनस का 90 आना चाहिए और वैसे माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक है, तो 10 माइनस का मल्टीप्लाई बन सॉरी माइनस 10 प्लस में 9 प्लस में 9 और माइनस 10 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, तो 2n का स्क्वायर माइनस में 10n प्लस में 9n माइनस 45 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2n कॉमन कर लो n माइनस 5 प्लस पे 9 कॉमन कर लो n माइनस 5 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, अब n माइनस 5 तो एक तरफ कर लेंगे और बचा 2n प्लस पे 9, ये 0 के बराबर आ गया, अब यहाँ से तो n 5 आ गया, पर यहाँ से अब मैंने कहा था n जो है आपका वो क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसे नेचुरल नंबर निकल के नहीं आएगा, तो n 5 आ गया, अब n 5 आ चुका है तो हमें बोला गया an निकालने के लिए, तो an हमें फटाफट से यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है हमारे पास ए प्लस पे एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, अब ए हमें 2 दे रखा था, एन 5 है और डी हमें 8 दे रखा है, तो 2 प्लस में 8 × 4 = 8 = 32, तो ए एन जो है वो 32 निकल के आ गया, ए एन 32 है और एन आपका 5 निकल के आ गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा, ठीक है, 32 + 2 = 34, ठीक है, बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा, क्लियर आ तक सभी को, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्या है, 7th क्या कह रहे हैं, अगर ए दे रखा है 8 और ए एन दे रखा है 62, एस एन दे रखा है इतना, तो एन और डी क्या होगा, अच्छा जी चलो एस एन क्या होता है हमारे पास एन अपॉन पे 2 और होता है ए प्लस पे ए एन, यही फॉर्मूला होता है, एस एन दे रखा है 210 इक्वल टू एन, नहीं पता, ठीक है, ए कितना है 8 और ए एन कितना रखा है 62, तो 210 इक्वल हो गया एन अपॉन पे 2, ये हो गया 70, 70 तियाँ, तो n आ गया 3 × 2 = 6, n आ चुका है 6 निकल के, d निकालना है, अब d कैसे निकालेंगे, ए एन दूसरा फॉर्मूला a प्लस पे n माइनस 1 d होता है, अब ए एन दे रखा 62, अब a कितना अपने पास 8 प्लस n 6 माइनस 1 d कितना है, d हमें नहीं पता, तो 62 माइनस में 8 आ गया हमारे पास 5d के बराबर, तो कितना आएगा, 2 गया 6, 6 घटाओगे 50 में 60 में से, तो 54, तो 54 अपॉन पे 5 जो वो d निकल के यही आ रहा है, यस डी 54/5 निकल के आ जाएगा, सिंपल है, अब हम चलते हैं इसका 8th पार्ट में, 8th पार्ट क्या बोल रहा है,
एट पास सुन ध्यान से, कह रहा है ए एन फोर दे रखा है, डी टू दे रखा है, एस एन दे रखा है, जरा एन निकालना और ए निकालना है, ठीक है सुनना ध्यान से। अच्छा ए एन फोर दे रखा है, ए एन फोर का मतलब हुआ भाई ए प्लस पे एन माइनस वन डी, ये हमें फोर के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ए प्लस पे एन माइनस वन डी हमें टू दे रखा है, इक्वल टू फोर हो गया, तो ए प्लस में टू एन माइनस में टू जो है फोर के बराबर हो गया, तो ए प्लस में टू एन जो है वो फोर प्लस टू के बराबर हो गया, तो ए प्लस में टू एन जो है वो सिक्स के बराबर हो गया, ठीक है। और a आ गया 6 माइनस में 2n, तो a इन टर्म ऑफ n में निकाल के छोड़ दिया, अब यहाँ से कुछ और नहीं कर सकते, जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। sn दे रखा माइनस का 14, अब sn माइनस का 14 का मतलब है sn होता है कितना n अपॉन पे 2, और a प्लस पे an जो है ये आपका माइनस का 14 दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। अब n कितना हमारे पास नहीं पता, और a कितना है, a हमारे पास दे रखा 6 माइनस में 2n, और an कितना अपने पास 4 इक्वल टू माइनस का 14, मैंने ए यहाँ से किया, ठीक है। तो n अपॉन टू हो गया 6 4 10 10 माइनस में 2n इज इक्वल टू हो गया माइनस का 14, ठीक है। दो कौन कर लो तो आ गया 5 माइनस में n इक्वल टू 14, इसे खत्म हो गया, तो 5n माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 14 हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस में 14 इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, बहुत आसान है। चलो तो मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए, वैसे आना चाहिए माइनस का 5, बोलो 7 2 14, तो 7 में से 2 माइनस 7, कुछ गड़बड़ है यार, ये माइनस का 14 है, वही ये माइनस का 14 है, मैंने कह रहा कुछ गड़बड़ है, ये माइनस का 14 है, ठीक है। माइनस 5 2 प्लस इतना माइनस 7 इंटू 2, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 7 इंटू 2, तो आ गया एन स्क्वायर माइनस में 7n प्लस में 2n माइनस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो n कौन कर लेंगे, n माइनस 7 और प्लस में 2 कौन कर लेंगे, n माइनस में 7, ठीक है। तो एक बार n माइनस 7 अलग करेंगे तो n प्लस में 2 निकल के आ गया, इक्वल टू 0 देगा। अब यहाँ से n आपका 7 आ गया और यहाँ से n माइनस का 2 आ गया, अब n माइनस का 2 होता नहीं है, n आपका क्या आ गया प्लस का 7 निकल के आ गया, तो n निकालना था हमने बड़े आराम से, n को निकाल दिया। अब a भी निकाला, यहाँ निकालो तो 6 माइनस में a आ गया, 6 माइनस में 2 इंटू n, 7 इंटू 14, तो 6 में से 14 आ गया, माइनस का 8 निकल के आ गया, तो माइनस का 8 आ गया a और n आ गया 7। तो ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे से हवा बनाए थे कि सर बहुत मुश्किल है वाला पार्ट, अरे मुश्किल तो याद था इसमें, a निकाले इन टर्म ऑफ n, जहाँ पर भी ए एन होगा वहाँ पर केवल फॉर्मूला यूज करोगे ए एन वाला, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नाइन्थ, क्या कह रहा है इसके ससुर, 10 क्वेश्चन तो यही करवा लिए, थर्ड में 10 क्वेश्चन दे दी, यही खलता सब ज़्यादा, सब ज़्यादा टीचर को यही खलता कि तीसरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दे रखे यार, 10 ये हो गए और टोटल 20 है, तो 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ जाते हैं इसमें। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते, नाइन्थ ए थ्री है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा, ठीक है ओके। एस एन क्या होता है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस पे एन माइनस वन डी, तो जहां पर ए एन नहीं दे रखा वहां पूरा फॉर्मूला यूज करना है, तो 192 इक्वल टू एन कितना है नहीं पता, एन एट है अपॉन टू, टू ए और थ्री है, ठीक है प्लस में एन हमारे पास एट है और डी हमें नहीं पता है निकालना, ठीक है। तो कट रहा है ये, काटो ये कट, चार बार में कट जाएगा और चार से कट रहे हैं, चार चौक 16, 3 4 8 32 इक्वल टू 3 2 6 प्लस में 7d, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, 42 इक्वल टू 7d और d आ गया 6 7 42, तो d कितना आ गया 6 निकल के आ गया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। लास्ट टेंथ वाला करते हैं, कह रहा है s दे रखा 11 लास्ट टर्म, तो एस एन क्या होता है हमारे पास, n अपॉन बाई 2 a प्लस में an, an को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, मैंने बताया था। एस एन दे रखा 144 इक्वल टू n, हमें 9 टोटल 9 टर्म है और a हमारे पास नहीं पता, लास्ट टर्म का 28 है, ठीक है 9 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए, 9 एकम 9 बचा कितना 5, 9 6 54, ठीक है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू a प्लस में 28, तो 32 माइनस में 28 इज इक्वल टू a आ गया और a जो है वो जी 4 निकल के आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 चल रहा है, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू टेक अ सम ऑफ 636, कितने टर्म लगेंगे, सम दे रखा है इतना। अच्छा जी sn दिया हुआ है 636, ठीक है और a दे रखा है 9, d दे रखा है 17 माइनस पे 9, कितना आता है 17 में से 9 गया तो आपका 8 निकल के आता है, ठीक है। फॉर्मूला हमें n निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है भैया बताओ,
एस एन होता है हमारे पास एन अपॉन पे टू, और उसके बाद टू ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एस एन दे रखा 636, एन दे रखा नहीं पता, और टू ए, ए हो गया हमारे पास 9, और प्लस पे एन माइनस वन, डी दे रखा आपको 8। तो 636 इज इक्वल जाएगा एन अपॉन पे टू, 9 दूनी 18 माइनस में 8 एन, प्लस में 8 एन माइनस में 8, तो 636 इज इक्वल टू एन अपॉन पे टू, ये देखो आपका 10 प्लस में 8 एन, अब 2 कॉमन कर लो तो 636 आ गया, एन अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन कर लिया तो 5 प्लस में 4 एन आ गया, इससे ख़त्म हो गया। तो 636 आ जाएगा हमारे पास 5 एन प्लस में 4 एन का स्क्वायर, तो 4 एन का स्क्वायर प्लस में 5 एन माइनस में 636 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये, इसको मिटाते हैं हम लोग, ये इसकी नीड नहीं है, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आंसर जो इसका निकल के ऊपर चल गया। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 6 चौक 24, 4 3 12 13 14, 6 चौक 25, 2544 आना चाहिए, और वैसे 5 आना चाहिए, तो 2544 का आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फटाफट से। अब जिस बच्चों ने चैप्टर 4 नहीं किया, नहीं सीखा रूट निकालना, तो दिक्कत देगा, इसलिए पीछे के क्रम से करना है। तो 2 1 जा 2, ठीक है, मेरे ख्याल से 48 और ना 53, 48 और 53 होगा शायद, ये एक मिनट रुक जाओ, 40 कैलकुलेटर कहाँ मेरा, 48 मल्टीप्लाई 53 याद था मुझे, मेहनत बच गई है भगवान, ए खुदा है यहाँ रे तू। तो 53 बोलना, तो 53 माइनस है 48, 53 मल्टीप्लाई माइनस का 48, ठीक है, तो 4n का स्क्वायर प्लस में 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n कॉमन कर लो 4n प्लस में 53, ठीक है, माइनस का 12 कॉमन कर लो 4n प्लस में 53, तो 4n प्लस में 53 एक तरफ और n माइनस में 12 एक तरफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हटा दो तो n इक्वल टू 12 निकल के आ जाएगा, n कितना आ गया 12 निकल के, तो 12 टर्म चाहिए सम उतना देने के लिए, बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 15 ईयर आप सभी के, सॉरी 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, फर्स्ट टर्म आपका ए पी का 5 दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा 45 और एस एन दे रखा 100, हाउ मेनी टर्म्स, एन निकालना है और डी निकालना है कितना निकल के आएगा। जब ए एन दे रखा हो तो हमेशा फॉर्मूला क्या यूज करना है एस एन के लिए, एन अपॉन पे टू और ए प्लस पे ए एन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सम 400 है, ए एन हमें नहीं पता, एन अपॉन टू और ए हमारे पास कितना है 5 और ए एन 45 है, ठीक है, तो 400 इज इक्वल हो गया एन अपॉन पे टू और मल्टीप्लाई 50 निकल के आ गया, अब इससे ख़त्म हो गया, ठीक है, 5 8 40 तो 8 दूनी 16, एन जो है आपका 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर, मैंने कहा ना इस चैप्टर को अगर तुम बहुत आराम से कर रहे हो ना, इसका तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट से दो ही तो फॉर्मूले पट 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 क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे जिस स्पीड से मैं करा रहा हूँ इससे भी ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब ए एन होता है हमारे पास कितना, ए प्लस पे एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है, चलो तो ए हमारे पास ए एन कितना 45 इक्वल टू ए 5 है, एन 16 आ गया और डी हमें नहीं पता, ठीक है, डी हमें नहीं पता, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 15 डी हो गया, तो 40 इक्वल टू 15 डी हो जाएगा और डी हो गया 40 अपॉन पे 15, तो 8 5 8 40 5 3 15 डी आ गया 8 अपॉन 3, तो डी 8 अपॉन 3 आ गया, पहले का 16 लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 6 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, फर्स्ट टर्म दे रखा 17 और लास्ट टर्म ए एन 350, इफ कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म्स है सम क्या, ऐसे फटाफट से लिखना आपने, ठीक है। तो ए एन क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ए प्लस पे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है, ठीक है, ए एन 350 है, ए 17 है और एन हमें नहीं पता, डी हमारे पास कितना 9 है, तो 350 माइनस में 17 इज इक्वल टू हो गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, तो 3 और 34 33, ठीक है, अपॉन पे 9 इज इक्वल टू हो गया एन माइनस वन, 9 3 27 63, 9 7 जो 63 प्लस 1 इक्वल टू एन हो गया और एन जो है वो 38 निकल गया, कितना फास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फास्ट की ट्रिक है, सर्च करना कैलकुलेशन ट्रिक बाय ज्ञानिकीड़ा, बहुत तगड़ा काम की वीडियो है, देख लेना, एन 38 आ गया, सम निकालना है। अब जब ए एन दे रखा हो, सन होता है एस एन अपॉन टू ए प्लस में ए एन, ये सम होता है, ठीक है,
तो एन कितना है 38 अपॉन बाई टू, ए कितना है 17 और ए एन कितना है 350, ठीक है। तो आ गया कितना 19 मल्टीप्लाई बाय हो गया 367, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 367 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 6973, 6973 इज योर सम विच इज करेक्ट आंसर। तो एन 38 आ गया और एस एन 6973 निकल के आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सेवन, क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, हमें एस 22 निकालना है, ओके। डी दे रखा है हमें 7 और ए 22 दे रखा है 149, ठीक है। अब अगर मुझे एस 22 निकालना, फॉर्मूला क्या होता है भाई, 22 अपॉन पे 2 और ए प्लस में ए 22, ये फॉर्मूला है। सिर्फ मुझे ए पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए, क्यों, ए 22 पता है, बस ए निकलना चाहिए। अब ए निकालने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ए 22 का मतलब होता है ए प्लस में 21, डी इक्वल टू 149 और डी जो है मुझे दे रखा कितना 7 इज इक्वल टू 149, तो यहाँ से मैं जो है 7 × 7 = 14 इक्वल टू 149, तो यहाँ से मैं निकालूंगा ए 149 माइनस ए 147 और ए जो है हमारा 2 निकल के आ गया, कितना आ गया 2। अब ए चाहिए था निकल गया, तो ये आ गया 11, 2 प्लस में ए 22 जो है 149 दे रखा है, तो 11 मल्टीप्लाई 151, शॉर्ट ट्रिक क्या है 151, तो कितना आ गया 1661, एस 22 निकल के आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ चलते हैं एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन एपी हू सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म ए 2 दे रखा हमें 14, मतलब ए प्लस में डी हमें 14 दिया हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और थर्ड टर्म ए 3 18 दे रखा है, मतलब ए प्लस में 2d आपको 18 दिया हुआ है, लाइन खींचो, माइनस 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 खत्म हो गया, माइनस का डी कितना आ गया, माइनस का 4 निकल के आ गया, तो डी जो है आपका 4 हो जाएगा, डी कितना हो गया 4 हो गया, इसे पुट करो ए निकालो, तो ए प्लस में 4 इक्वल टू 14 हो गया, तो ए आ गया आपका 14 माइनस 4, ए हमारे पास 10 निकल के आ गया। अब ए पता है, डी भी पता है, ए और डी पता ना तो हमें सब निकाल सकते हैं। सम ऑफ 51, एस 51 निकालना है, तो 51 अपॉन पे 2, ठीक है, और 2 इंटू ए प्लस में 1 कम डी, 15 टू डी कितना है 4 हो गया, 51 अपॉन 2 कितना हो गया 20 प्लस में 200, तो 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो गया 220, तो हो गया 51 अपॉन 2 हो गया मल्टीप्लाई 110, कटने ये हट गया ना, यहाँ पर आ गया 110, ठीक है, तो 51 मल्टीप्लाई 110, तो 51 मल्टीप्लाई 110, ठीक है, तो 51 तो आ गया 5610, 5610 इज द आंसर, एस 51 कितना आ गया 5610 निकल के आ गया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, अगर आपको एस 749 दे रखा है और एस 17 आपको 289 दे रखा है, तो एस एन क्या होगा, तो वही वाली बात है, यहाँ से दो ए और डी के टर्म पे इक्वेशन निकलेगी, सॉल्व करेंगे, ए और डी आएगा, फिर एस एन नहीं बता पाएंगे। अब एस एन क्या होता है भाई, 7/2, एस 7 क्या होगा 7/2, ठीक है, 2a एक कम d, 6d इज इक्वल टू 49, तो 7 जब 49 होता है, 1/2 2 कौन कर लेते हैं, तो कितना आ गया a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7 आ गया, ये खत्म हो गया, तो a प्लस में 3d जो है वो 7 निकल के आ गया, दिस इज आवर इक्वेशन फॉर फर्स्ट, सिंपल। 17 एस 17 अपॉन 2 और 2a प्लस में 1 कम d, 16d इज इक्वल टू 289, तो 17 जो होता है तो 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ गया a प्लस में 8d जो है वो 17 आ गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि a प्लस में 8d आपका 17 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, लंबी से लाइन कीजिए फटाफट से, चलो, तो माइनस 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 ये खत्म, तो माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10 और d जो है वो 2 निकल के आ गया। अगर d 2 है तो a कितना का चेक करो, फर्स्ट में पुट करते हैं, तो a प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 7 आ गया और a प्लस में 6 इज इक्वल टू 7 आ गया और a जो है 1 निकल के आ गया। अब a भी पता है और d भी पता है, सब निकाल, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, होता है n अपॉन पे 2 और 2a प्लस पे n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है, n अपॉन 2 2a, a कितना है 1 है और n हमें नहीं पता, d कितना, d आपका 2 दे रखा है, ठीक है, जगह n अपॉन पे 2 2 1 जा 2 प्लस में 2n माइनस में 2 निकल के आ गया, इससे खत्म हो गया, तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 हो गया n, n स्क्वायर, तो एस एन कितना आ गया, n स्क्वायर निकल के आ जाएगा।
वैसे आना भी था। देखो सेवन टर्म का सम 49, सेवन सेवन या 49, 17 टर्म का सम 289, 17 17 या 289, तो n का टर्म n इंटू n, n का स्क्वायर, ये आंसर आना ही था। नेक्स्ट 10 क्या बोला ध्यान सुनेंगे, अरे अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, कह रहा है शो दैट ए वन ए टू, पहले कह रहा है कि शो करो, हमने जनरल टर्म दे रखा है ए एन, ए एन दे रखा है 3 प्लस में 4n, कह रहा है शो करना है ए वन ए टू ए थ्री ए पी में है, ठीक है ये शो करते हैं। ए वन निकालते हैं, जहाँ एन है वहाँ वन पुट करके कितना आ गया 3 प्लस में 4 जो कि आपका 7 निकल के आ गया, ठीक है। आइए ए टू निकालते हैं कितना आएगा, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 प्लस में 8 3 11, ठीक है। ए थ्री और निकाल लेते हैं बस, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12, तो 3 प्लस में 12 जो है आपका 50 निकल के आ गया, ठीक है। तो ए पी की बात करें कितना आ गया 7, 11, 15, ये हमारे पास ए पी निकल के आ गया, बोलो बात समझ आई, 7, 11, 15 हमारे पास ए पी निकल के आ चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है शो दैट फॉर्मन, तो हमने ए पी दिखा दिया भाई, ए पी है क्यों है भाई, देखो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस सेम है। ऑल्सो फाइन सम 15, एस 15 भी निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है, ओके तो एस 15 कितना है हमारे पास, तो 15 अपॉन बाई 2 और 2a प्लस में 1 कम d, तो 14d, ठीक है। ऐसे 1 कम d करके याद रखो, बहुत जल्दी हो जाता है, 15 अपॉन 2 2a, a कितना है 7 है, ठीक है, d कितना है, d आपका 4 है ना, तो 15 अपॉन बाई 2 7 दुनी 14, 14 चौक कितना होता है 4 चौक 16, 4 एकम 4 5 56, तो 15 अपॉन पे 2 ये कितना गया आपका 60 70 35, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35, 15 पंजे 75, 15 45, 45 और सर बॉन्ड 525 आपका जो है आंसर निकल के आएगा एस 15, ठीक है। तो इस तरीके सेम आपने सेकंड वाला करना है, ए वन रखना है, ए टू रखना है, ए पी दिखाना है ए पी है कि नहीं, ठीक है, उसके 15 टर्म का सम निकाल के मुझे अभी जो है कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे इसका आंसर फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्या बोल रहा है, 11 बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इफ द सम, अभी पीछे ना आपको ए एन दे रखा था और यहाँ पर जनरल टर्म दे रखा एस एन का, एस एन दे रखा 4n माइनस में एन स्क्वायर, ये हमें एस एन दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कटेगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सब चीज निकालना बात की बात है, पहले एक हम ए एन से भी ए पी निकाल सकते हैं जैसे कि आपने सीखा, और एस एन से भी ए पी निकाल सकते हैं, कैसे अभी सीखो फटाफट से। मैंने एन को वन पुट करा तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 निकल के आ गया। अच्छा एक बात हो, मैंने बोला जोड़ो, जब भी जोड़ने की बात करते सम की बात करते दो नंबर होना चाहिए, पर एक नंबर को जोड़ो कोई सेंस नहीं बना, तो एस वन ना ए वन ही होता है, आपका फर्स्ट टर्म ही है, ये आपका फर्स्ट टर्म ए वन ही है या ए ही बोलो, तो ए आपका 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब एस टू कितना निकल के आ गया, तो या गया 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 टू जो 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपका 4 निकल के आ गया। अब एस टू का मतलब होता है दो नंबर को जोड़ रहे हैं, ए वन दो टर्म को, ए वन प्लस ए टू आपका 4 निकल के आ गया, सम ऑफ टू टर्म, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो ए वन प्लस ए टू ये आपका 4 है। अब ए वन जो है आपका वो 3 दे रखा है प्लस ए टू इक्वल टू 4, तो यहाँ से ए टू जो है हम निकाल सकते हैं 4 माइनस 3 जो कि आपका 1 निकल के आ गया। तो ए पी की बात करेंगे तो वो निकल के बड़े आराम से, तो आपका पहला 4 नहीं नहीं हाँ पहला 3 आ गया, फिर दूसरा आपका 1 आ गया माइनस 2, फिर 1 में माइनस 1 करेंगे 0 आ गया, अरे क्या बोल रहा हूँ भाई 3 में से 2 गया 1, 1 में से 2 गया माइनस का 1, फिर माइनस का 3, ऐसे करके हमारी एपी की कहानी चलती चली जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, आ रहा पक्का, ठीक है, इस तरह से हमारी एपी बन जाएगी। तो एपी हमने बना लिया, एवं मैं चेक कर लूँ, ए वन प्लस ए टू 4 दे रखा था, ठीक है, तो हमने एपी बना लिया। अब कह रहे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 है, हट आउट। व्हाट इज सम ऑफ टू टर्म, टू टर्म का सम एस टू 4 दे रखा है, सेकेंड टर्म क्या है 1 है, थर्ड टर्म क्या है माइनस 1 है, टेंथ टर्म और निकाल दो ए टेन क्या हो जाएगा ए प्लस पे 9d, ठीक है, तो ए 3 है प्लस पे 9d कितना आया हमारे पास, डी आपका माइनस का 2 है, ठीक है, तो जाएगा 3 माइनस में 9 18, तो आपके आ गया माइनस का 15, माइनस का 15 आ गया। और ए एन निकालना है, ए एन क्या होता है ए प्लस पे एन माइनस 1 टू डी होता है, ठीक है, तो ए हो गया अपने पास कितना 3 प्लस में एन नहीं पता, डी कितना हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है, तो 3 माइनस में 2 एन प्लस में 2, तो आ गया 5 माइनस में 2 एन, तो ये ए एन निकल के आ गया और ये ए टेन, तो सारे हमने वैल्यूज निकाल दिए। तो मेन सारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर था, एक मिनट चेक करो आंसर यार,
ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर था? सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका उसी के ऊपर था कि कैसे कैसे हमें चीज़ों को निकालना है। ठीक है, एक तरीका इसमें करने का और होता है जो कि हम करते हैं, और डी जो है ना वो क्या होता है, SN-SN-1 करके भी आप डी निकाल सकते हो। आपके स्कूल में वो भी सिखाया गया होगा, वो भी बड़े आराम से कर सकते हो, बट मैंने एक तरीका बताया 1 2 3 4 करके, तो आप ये तरीका याद रखो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्योंकि ए और डी पता हम सबसे निकाल सकते हैं ना, तो डी वैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। स्टार्टिंग है 40, तो ए भी बनानी पड़ेगी। पहला नंबर कितना आएगा, 6 का 6, फिर 12, फिर 18 डॉट और 24, 40वां 2 4 2 6 6 6 24 240 निकल के आ गया। सम निकालना ना इसका, पहले एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस पे एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, तो 240 = a 6 है, डी भी आपका 6 दे रखा है, तो 240 माइनस में 6 इक्वल हो गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 234/6 इक्वल टू एन माइनस वन हो गया। ठीक है, काटो 6 3 18, 6 9 4 प्लस वन इक्वल टू एन। अब एन क्यों निकाल रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं ज़्यादा दिमाग लगाना। एन तो पता है ना स्टार्टिंग है 40 का है, फिर भी निकाल दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, ऐसा निकालना था। ऐसा नहीं क्या होता, हमारे पास एन अपॉन पे 2 और ए प्लस पे ए एन होता। ठीक है, एन दे रखा 40/2, ए कितना है 6 और ए एन कितना है 240 है। ठीक है, तो 20 × 2 = 46 आ गया, 6 2 12 4 2 8 और 1 9 2 2 4 4 9 2 0 8 0 आंसर। ये आपका ऐसा निकल गया 4 9 2 0, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा मैं पास रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल चलो फोल्ड नहीं हो रहा, ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो अगेन ए पी एन दे रखा, ठीक है मेरी तरफ बेफूई मत करना। तो 8 2 16 3 24 8 5 40 8 4 12 120, ठीक है सब निकालना है तक का। तो ऐसा नहीं क्या होता हमारे पास, एन अपॉन पे 2 और ए प्लस पे ए एन होता है। ठीक है, तो एन कितना हमारे पास 15/2, ए कितना है 8 और ए एन कितना है 120 है। ठीक है, तो 15/2 आ गया हमारे पास कितना 128 निकल के, तो 15/2 आ गया हमारे पास, कट करे से तो आ गया 15 × 2 6 2 4। ठीक है, 15 × 60 15 × 90 96 960 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 14, क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50। 0 से 50 तक के ऑड नंबर का सम निकालो, मतलब 1 + 3 + 5 ……… 49 तक का सम निकालो। अब कुल 50 नंबर पे 25 ऑड होते हैं और 25 इवन होते हैं, तो एन तो 25 है ये हमें पता चल गया। ठीक है, जो सम निकालते सम का होना क्या होता है, वो होता है एन अपॉन पे 2 और होता है ए प्लस पे ए एन निकल के आता है। ठीक है, अब एन कितना है 25/2, ए कितना है 1 है और ए एन कितना है 49 है। ठीक है, तो 25/2 × 50, ये 25 आ जाएगा कटने पर, तो 25 25 होता है 625, तो 625 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 615, क्या बोल रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो क्वेश्चंस आएंगे 5 और 6, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो आपके वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। अभी जो वर्ड प्रॉब्लम 5 6 15 से लेकर मेरे ख्याल से आपके 20 तक के वर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल बारीक से सुनना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। तो अगर लेट होता है पहले दिन तो 200 रुपये फाइन लगता है, दूसरा ठीक है दूसरा 250 रुपये फाइन लगता है, फिर तीसरा 300 रुपये, ऐसे करते थे फाइन लगता है। कह रहा बताओ अगर वो 30 दिन तक डिले करेगा तो कितना उसको खर्चा देना पड़ेगा, तो टोटल सम निकालना हमें 30 डेज तक का। ठीक है, तो एन हमें 30 दे रखा है। अच्छा, ए कितना है, ए आपका 200 है, ए पी मैंने बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट ए पी बनाना है, ए पी बना दिया मैंने। ठीक है, और डी कितना हमारा 50 दे रखा है, तो ऐसा निकालना है, फटाफट से निकालते हैं। चलो फॉर्मूला होता फटाफट से, तो ऐसा का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन अपॉन पे 2 और होता है 2a + n − 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें 30 निकालना, तो s 30 कितना आएगा, तो 30/2 2a, a कितना है 200 और प्लस में 30 में से बन गया 29, d कितना है d 50 है, तो 15 × 400 + 9 5 = 45, 5 × 10 = 14, इतना
तो ये कितना 0581, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 1850 मल्टीप्लाई बाय 15 27750। चेक करो चेक करो कहाँ भैया 27, यस सही है 27750। तो 27750 रुपीज़ इतना जो है उसे पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं 16, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान सुनेगा ठीक है। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई, 700 रुपये टोटल है, सम टोटल अमाउंट जितना है, टोटल सम जो है पैसों का ठीक है, वो आपको 700 रुपये दे रखा है। अब 700 रुपये 7 लोगों में बांटना, 7 कैश प्राइस करना है, और इस तरीके से कि हर बच्चे को 20-20 रुपए कम मिलता चला जाए, हर बच्चे को 20-20 रुपए कम मिलता चला जाए ठीक है। इस तरीके से हमें इस कैश प्राइस को बांटना है ठीक है। 7 बच्चों को देखो बांटना, ध्यान सुनना, 7 बच्चों को हमें चीज़ें बांटनी है, 7 हमें लेट करना होगा एपी का। जब भी एपी में लेट करना है 3 नंबर 7 नंबर और की बात कर रहा हूँ, तो एपी ना फिक्स्ड होती है, सुनो ध्यान से। अगर 3 नंबर मानना मुझे एपी में, तो क्या मानूंगा, ए माइनस डी और ए और ए प्लस डी मानूंगा। 5 नंबर मानना है तो ए माइनस में 2D और ए माइनस में डी, फिर ए प्लस में डी और फिर ए प्लस में 2D, इस तरह से मानूंगा। और 7 नंबर मानना है तो ए माइनस में 3D और फिर ए माइनस में 2D और फिर ए माइनस में डी और फिर ए प्लस में 2D ए प्लस डी फिर ए प्लस में 2D और फिर ए प्लस 3D, इस तरीके से मैं मानूंगा। ये फिक्स होता है, क्यों, जब भी सम करेंगे डी खत्म हो जाता है, इसे नोट कर लेना, इसको नोट कर लो, कभी मानना पड़े लेट द 3 नंबर आर इन एपी तो हम इसे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी मानेंगे। यहाँ पर 7 नंबर मानना है तो हम लोग जो एपी को क्या मानेंगे, हम लोग एपी को मानेंगे लेट वो 7 नंबर जो है मान लेते हैं, लेट वो 7 नंबर क्या थे, लेट हमने कर लिया एपी में, वो थे ए माइनस में 3D कॉमा ए माइनस 2D कॉमा ए माइनस में डी कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2D और कॉमा ए प्लस 3D, ये हमने मान लिया ठीक है। इसको कुछ ही एक्सेप्ट करो, इसका सम 700 मतलब ए माइनस में 3D प्लस में ए प्लस में ए माइनस 2D प्लस में ए प्लस माइनस में डी प्लस में ए प्लस में ए प्लस में डी और प्लस में ए प्लस में 2D और प्लस में ए प्लस में 3D। अब देखो 3D से 3D खत्म, 2D से 2D खत्म, डी सब डी वाले सब खत्म हो गए ठीक है, ये आपका 700 हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ठीक है। तो 7A जो है आपका वो 700 निकल के आ गया और A जो है वो 700 बटे पर 7 आ गया, तो A जो है आपका 100 निकल के आ गया। अब A आपका 100 निकल के आ गया और हमें बोला गया था हर प्राइस 1 से जो है 20 कम है, तो यहाँ पर आपका D गिवन था, D जो है आपको 20 दे रखा है, तो A पता है और D पता है, हमें ये 7 के 7 नंबर निकालने, तो आइए जल्दी से फटाफट से निकाल देते हैं ठीक है। चलिए प्राइज निकाल दो से, आसान था, आसान लगने लगा ना। तो 7 नंबर मानना हो तो ऐसे ही मारना, कोई गलत नहीं, एपी में 7 नंबर हमने मान लिया, चलो पहले निकालते हैं। ये आपका 100 हो गया ठीक है, 100 + 20 = 120, फिर आपका ये 140, फिर आपका 160 हो गया ठीक है, 20 कम कर दो 80, और ये आपका कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 40 ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, इस तरीके से हम लोग जो है 7 प्राइस को मापते हैं। मेरे ख्याल से गड़बड़ तो हम ज्ञानी कीड़ा सर तो गड़बड़ करते हैं नहीं, बिल्कुल सही है ठीक है। नाउ नेक्स्ट 17 क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री, बहुत अच्छा सोच है भाई, हर जगह जहां पर भी हो गमले लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ लगाना चाहिए, एंड ऑल अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास, मतलब जितने जोन सी क्लास में जो बच्चा पढ़ता है ना, जैसे मतलब सेक्शन फर्स्ट क्लास का सेक्शन है तो ये लोग एक पौधा लगाएंगे, सेकंड क्लास सेक्शन है तो ये पूरा सेक्शन दो पौधा लगाएगा, थर्ड क्लास का सेक्शन है तो थर्ड क्लास का सेक्शन वाला 3 पौधे लगाएंगे, मतलब पूरी क्लास एक पौधा लगाएगी इस तरीके से, और टोटल 12 क्लासेस हैं। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर सेक्शन है 12 और हर क्लास में 3-3 सेक्शन है ठीक है। इसका देखो ध्यान से क्या हुआ, पहले क्लास में पहले क्लास वाला बच्चा एक जो क्लास है एक पौधा लगाएगी और 3 सेक्शन है तो 3 पौधे हो गए प्लस में, दूसरी क्लास वाले जो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी बना रहे ठीक है,
दूसरी क्लास का जो बच्चा सेक्शन है वो दो पौधे लगाएगा और तीन सेक्शन है तो वो कितना हो गया, छह हो गया। तीसरी क्लास का बच्चा तीन पौधे लगाएगा और तीन प्लस तीन प्लस तीन, तीन सेक्शन है ना, कितना हो गया, तीन 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 नौ, नौ हो गया। और इस तरह भी चलेगी। और ट्वेल्थ क्लास की बात करते हैं, 12 क्लास का जो सेक्शन होगा 12 ट्री लगाएगा और तीन सेक्शन है, 12 12 12 36 हो गया, तो ये आपको निकल गया इस तरीके से। ठीक है, चलिए फटाफट से निकालना है एस एन, निकालना है एस एन कितना हमारे पास, एन अपॉन बाई टू और ए प्लस में ए एन निकल के आएगा। ठीक है, अब एन पता है 12 ही है, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी, 12 अपॉन बाई टू और ए थ्री, देखो कितना छोटा सवाल था, अब देखने में लग रहा कितना मुश्किल होगा लेकिन था बहुत आसान। ठीक है, 6 9 54 36 18 और 5 होते हैं 23, 234 कुल पौधे जो है स्कूल पे लग जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, इतने पौधे स्कूल के आसपास लग जाए ना भाई साहब, गर्मी होगी नहीं, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट 18 क्या कह रहे हैं, अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, सेंटर बदल रहा है, कभी सेंटर ए हो रहा है कभी बी हो रहा है। ठीक है, रेडियाई पहले 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, 2 है, ऐसे करते करते 13 तक हमें कितनी लंबाई होगी निकालना है। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, ध्यान सुनना। सेंटर ए है, पहले रेडियस कितना है, 0.5। अच्छा एक बताओ, पूरे सर्कल का जो लंबाई होती है वो होता है 2πr और सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो होता है पाई आर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से, यहाँ से एल वन की लेंथ, एल वन हमें निकालना है, एल वन प्लस में एल टू प्लस में एल थ्री डॉट 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 और एल थर्टन निकालना है, और एल वन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पाई आर, आर कितना 0.5 है, तो पाई इंटू पर 0.5 आ गया, प्लस में एल टू कितना गया, अब रेडियस बदल जाएगा, यहाँ पर रेडियस हो गया आपका 1, तो पाई इंटू 1 हो गया, सिंपल है यार, प्लस में पाई इंटू कितना आ गया, 1.5 आ गया, इस तरह चलता रहेगा 13 तक ये चलता रहेगा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पाई कॉमन कर लो कितना आ गया, 0.5 प्लस में 1 प्लस में 1.5, ऐसे करते करते 13 तक निकल के आएगा, 13 तक है ना, 13th टर्म तक, 13 टर्म तक है। ठीक है, इसे ए एन ओथ मान लेना, पहले इसका सम निकालते हैं। ठीक है, इसका तो ए हमारे पास कितना हो गया, 0.5 और डी कितना आ गया, 1.5 माइनस में 0.5 जो कि 0.5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से, और एन 13 है तो सम निकालो, तो एस एन आ गया हमारे पास कितना आ गया, एन अपॉन टू, 13 अपॉन टू, 2a, तो 2 into a 0.2a प्लस में एन माइनस वन 12, डी कितना है, डी 0.5 हो गया, तो 13 अपॉन पे 2 ये आ गया अब कितना, 1 प्लस में 12 5 60। ठीक है, तो 13 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 3 21 91 अपॉन 2, तो इसका सम आ गया 91 अपॉन 2, कितना आ गया, 91 अपॉन 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो पाई 91 अपॉन 2 निकल के आ गया, पाई क्या होता है, 22/7 इंटू पर 91 अपॉन पे 2, काटो 7 1 7 7 3 21 2 से काट 2 11 13 13, तो 141 आंसर आ रहा भाई, कितना आ रहा तुम्हारा, 143। तो 143 सेंटीमीटर जो है आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको सम का इस्तेमाल करना था, 13 टर्म है। ठीक है, 13 ए एन मत मान लेना, थोड़ी मत करो, इसमें मिटाई दो यार, तुम कन्फ्यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, लॉग मतलब लकड़ी दिखा रहा ना, तो काट के बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है, तो 200 लॉग जो है टोटल रखे स्टैक किए गए ऊपर तक। ठीक है, पहले में 20 लॉग है, ए पी बना लो पहले, साथ साथ में, साथ साथ ए पी बना लो, तो ए पी की बात करेंगे, तो पहले में 20 लॉग्स है, फिर नेक्स्ट में 19 है, नेक्स्ट में 18 है, और ऐसे करते 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 जो है टोटल 200 लॉग्स रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा आपको एस एन टोटल लॉग्स कितने हैं, 200। ठीक है, और ए कितना है, 20, और डी कितना है, माइनस का 1 दे रखा है। हमें क्या क्या निकालना है, हाउ मेनी लॉक्स आर टॉप रो, सबसे ऊपर कितने लॉक्स होंगे, पहले पता कर लो लॉक्स है कितने। ठीक है, तो एन निकालते हैं कितने लॉक्स हैं पहले, तो एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, एन अपॉन पे 2। ठीक है, और 2a प्लस पे एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन का। ठीक है, तो ये 200 है इक्वल टू एन हमें नहीं पता, और 2a तो 2 इंटू 20 और प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना अपने पास, माइनस का 1 है। ठीक है, तो 200 इज इक्वल टू जाएगा एन अपॉन पे 2 जाएगा 40 प्लस में माइनस 1 इंटू एन माइनस का एन और प्लस में 1। ठीक है, इस तरह से तो 400 इक्वल टू हो गया हमारे पास एन मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस में एन निकल के आ गया। तो यहाँ पर करेंगे 400 इज इक्वल टू जाएगा 41 एन माइनस में एन स्क्वायर, तो इधर ला रहा हूँ एन स्क्वायर माइनस है 41 एन प्लस में 400 इक्वल टू 0। ठीक है,
ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को सपने बहुत तेज से याद आ रहा है, 2516 होता है, मेरी याददाश्त बहुत तेज हो गई है, 25 × 16 2516 बिल्कुल सही है, वाह। तो मल्टीप्लाई करने पर 400 वैसे आना चाहिए माइनस का 41, ठीक है, इतनी तैयार होनी चाहिए ताकि आंसर देखते ना पता चल जाए कि क्या हुआ। 25 और 16 तो माइनस का 25 माइनस का 16 माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस का 16, ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस फैक्टराइज कर रहा हूँ, 25n माइनस में 16n प्लस में 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, n कॉमन कर लो तो n माइनस में 25 माइनस का 16 कॉमन कर लो, n माइनस में 25 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है, तो n माइनस 25 एक तरफ और n माइनस में 16 एक तरफ इक्वल टू 0, यहाँ से n हमारा 25 आ गया और यहाँ से n आपका 16 भी आ गया। अब कौन सा होगा, दो n निकल के आ गया, अब भाई एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर टोटल 20, सबसे नीचे 20 लॉग हैं, अब 20 19 ऐसे 20 से शुरू हो रहे हैं तो 25 तो हो नहीं सकता स्टार्टिंग 20 से, तो 16 लॉग्स हमारे टोटल होंगे, तो कितने लॉग्स हैं, 16 लॉग्स हमारे पास टोटल होंगे। अब सबसे टॉप पे कितने लॉग्स हैं, तो 16 हमारे पास टोटल, कितने बने 16 लॉग्स हमारे पास, सबसे ऊपर हमारे पास 16, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करें, कितने हमारे पास रो बन रहे हैं, टोटल 16 रो बन रहे हैं, तो 16 रो में अब कितने लॉग्स है वो निकालना है, ठीक है, ए 16 निकालना हमें, समझ गए, 16 आ गया, मतलब कितने रो है ना वो 16 है, नंबर ऑफ रो, तो एन आपका 16 निकल के आ गया, ठीक है। अब ए 16 निकालना, सबसे ऊपर कितना होगा, ए प्लस में 15d, अब ए 20 है प्लस में 15d कितना है, माइनस का 1 है, तो 20 माइनस में 15 जो है आपका तो 5 निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है, लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहे हैं, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर, ठीक है, मतलब ओके, अरे यहाँ पर जो आलू थे, यहाँ के आलू कहाँ गए, यहाँ भी आलू हैं, ठीक है, इन अ पोटैटो बकेट प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5, यहाँ पर एक आलू है आपका, इधर भी एक आलू है, इधर भी एक आलू है, ठीक है, ये आलू आपके ऐसे ऐसे बहुत सारे आलू हैं, ठीक है, इस तरीके से आलू है, मतलब पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है ये, ठीक है, ओके, ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, ठीक है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और ऐसे 3-3 मीटर करते करते आगे के पोटैटो रखे हुए हैं, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, 10 आलू हमारे पास लाइन पे रखे, 10 पोटैटो रखे हुए हैं, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक बंदा बकेट से स्टार्ट करता है यहाँ से, पिक्स द नियरेस्ट पोटैटो, उठाया एंड रन बैक एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, और वापस आगे इसमें रखा, तो पहले क्या चला, 10 चला, बस ए पी बना, कितना चला ए पी, 10 मीटर चला, ठीक है। दूसरा रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, अब यहां पर वापस आता है, अब यहां से दूसरा पोटैटो उठाने जाएगा, कितना आएगा 5 + 8 और 8 वापस, 8 8 16 वापस रख दिया, तीसरा उठाएगा 5 × 8 = 3 = 11 और 22, तो इस तरीके से इसकी एपी चलेगी और 10 टर्म तक चलता चलेगा, कितना डिस्टेंस ने रन करा है, तो एन आपका 10 दे रखा है और ए आपका 10 है, ठीक है, और D आपका 6 दे रखा है, हमें SN निकालना है, तो आइए निकाल दो डॉट से SN क्या होना, तो SN और कितना होगा N अपॉन पे 2 और 2A प्लस पे N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो 10 अपॉन 2 2A, A 10 है, 2 × 10 = 20 प्लस में N कितना अपना 10 9 और D 6 है, तो आगे हमारे पास कितना 5 × 20 = 56 × 54, ठीक है, तो आ गया 5 × 70 = 74, तो 5×20 7×5 = 35 370 मीटर, 370 मीटर जो है, यस 370 मीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस को भागा हुआ। तो इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम करना आना चाहिए, मैंने बहुत जगह डायरेक्ट चीज़ का भी इस्तेमाल किया, कंफ्यूज मत होना, ये एन वैन सब आप पुट खुद से कर सकते हो, अब आप इतना आगे आ चुके थे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि आपने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था वो हो जाता खत्म। अब चैप्टर 5 में केवल एनसीईआरटी करना इनफ नहीं है, आपको बाहर से और कोचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप हर साल पीवाईक्यूज़ की, मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज़ के सारे पीडीएफ बना के मैंने ड्राइव के लिंक में डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, तो पीवाईक्यू में आप चेक करना चैप्टर नंबर 5 से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ
यहाँ पर आपको ना बाहर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नजर आएंगे, एनसीईआरटी से बहुत कम कम क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे बाद में, और सुपर 30 यहाँ से कर लेना जो कि अभी नेक्स्ट वीडियो इसकी में आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना, मैंने अगर ज्यादा बोला हो तो आई एम सॉरी उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा था और मुझे समेटना था 3 घंटे के अंदर अंदर, इसलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट में यहाँ पर बोलना पड़ा मुझे। बट आई नो आप सबने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, काफी ऐसे बच्चों को पता भी नहीं चला होगा और पूरी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर लिपट गई। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी सारी पीडीएफ ड्राइव की लिंक में वहां से कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा चैनल है, वहां पर सारे सारे अपडेट वगैरह ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।